गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग का स्वागत है इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार सचिवालय का जो हम लोग का बैच चल रहा था, उसके लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बाकी चैप्टर भी कनेक्टेड है, तो उसका जो है रिकॉर्डिंग बहुत जल्द ही, मतलब रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और ये वीडियो में आप लोगों के लिए लेके अभी आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग बिहार सचिवालय 2022 के लिए कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का क्लास अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस एग्जाम मंत्रा पे चल रहा है, ठीक है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात है। और अब देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना, विथ ऑल कंसेप्ट, इसमें सारा कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट के बाद से ऑल प्रीवियस ईयर बिहार सचिवालय में, बिहार इंटर लेवल वाले एग्जाम में, ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में जितना भी आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है विथ लेटेस्ट सॉल्यूशन भी एकदम बढ़िया वाला है, और साथ में लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि सचिवालय इतना दिनों के बाद हो रहा है तो इतने दिनों में क्या क्वेश्चन में परिवर्तन ला सकता है, नया नया क्वेश्चन क्या दे सकता है। पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर जो पढ़ेंगे उसे इजी लेवल मॉडरेट लेवल कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ हाई लेवल क्वेश्चन कि क्या क्या वो बदल सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, ये चीज भी कवर किया गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उससे 100% क्वेश्चन बिहार सचिवालय के एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर चीज कवर किया गया है, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट पैटर्न। ये क्लास यूट्यूब पे फ्री में चल रहा है, ठीक है ना, और सारा चैप्टर हम लोग धीरे धीरे करके यूट्यूब पे लाते जाएंगे। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट मारते रहिए और यूट्यूब पे जो है चैप्टर वाइज हर सप्ताह में 2-2 चैप्टर हम पक्का अपलोड आप लोगों के लिए करेंगे। ये बात आया समझ में? अब देखिए, कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे क्या थी, सर रिकॉर्डेड क्लास डालिए, रिकॉर्डेड। देखिए, रिकॉर्डेड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जैसे हम अभी रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर लाइव क्लास लीजिए। तो देखिए, लाइव में और रिकॉर्डेड में क्या अंतर है, हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि लाइव में टाइम टेकिंग क्लास होता है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है उसको आप रिप्लाई करिए, समझाइए, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन बनाने का समय दीजिए। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग गागर में सागर हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे, इससे आपका डाटा का सेविंग होगा, साथ में आपका समय बचेगा। कम से कम समय में 3-3.5 घंटा के अंदर में एक चैप्टर का रिवीजन, एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट पैटर्न, सब चीज कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद कोर्स है, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जो फायदेमंद है वह है क्या चीज, लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लास, कि रिकॉर्डेड में समय का बचत होगा, डाटा बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, हम आप ही लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइव आके पढ़ाएंगे लेकिन उसमें समय बर्बाद होता है ज्यादा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए कि जो अभी हम क्लास रेशियो का लेने वाले हैं, ये जो रेशियो का लिंक है, जो पीडीएफ है, जो फ्री पीडीएफ है, वो कहाँ मिलेगा? तो फ्री पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम लिंक है t.me/vkegupta-campus। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके क्लिक करके, एक बार क्लिक करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को बिहार सचिवालय का या किसी भी एग्जाम का टेस्ट अगर फ्री में मारना हो, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे एक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम है हम लोग का एग्जाम मंत्रा, तो ये एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके वहां से टेस्ट मारिए। बिहार सचिवालय का टेस्ट भी इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बात आ रहा समझ में? चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं जो टॉपिक आज का हम लोगों का है, ये है भाई रेशियो।
ये है रेशियो, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपर्शन। और देखिए अच्छे से इस रेशियो एंड प्रोपर्शन को आप लोग पढ़िएगा ना, तो इससे बहुत सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा चैप्टर इस पर डिपेंड करता है। शशि जी सही आ रहा, तो चलिए रेशियो एंड प्रोपर्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। आप कंसेप्ट भी देखते जाइए और टाइप वाइज क्वेश्चन को भी करते जाइए। ये टाइप वन हम लोग यहां से स्टार्ट किए हैं, तो आइए देखते हैं भाई कैसे करेंगे। देखिएगा सबसे पहला टाइप ऐसे करके देगा कि ए अनुपात बी का वैल्यू, जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू 5:4 है, ठीक है ना। उसके बाद बी अनुपात सी का वैल्यू, यहाँ बी अनुपात सी का वैल्यू यहाँ पे दे देगा 3:5 दे देगा, 3:5 दे देगा। आपसे एबीसी का मान पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको में इसमें क्या ध्यान दीजिए आप, ए के बाद बी है, अब बी के बाद सी है भाई, ए के बाद बी, बी के बाद सी है, ठीक है ना। तो कैसे बनाया जाएगा, बनाने के पहले थोड़ा सा एक बार हम आपका अपना पैटर्न दिखा दे पढ़ाने का। देखिएगा आप लोग सबसे पहले ये कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने तरफ से, ये बेसिक क्वेश्चन अपने तरफ से, उसके बाद से ये बेसिक क्वेश्चन अपने तरफ से ये क्वेश्चन, उसके बाद से बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2013 का प्रीवियस ईयर, इसी टाइप का क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 13, इसी टाइप का बिहार एसएससी इंटर लेवल 2020 में जो मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन, उसी लेवल माने उसी टाइप का 15 में जो हुआ है ग्रेजुएट लेवल का प्री का एग्जाम वो, उसके बाद कुछ अपने मन से क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद से देखिए सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है आपका 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में, तो सीजीएल का भी कुछ क्वेश्चन को हम शामिल कर रहे हैं। अभी 2022 में जो फेज 9 का एग्जाम हुआ है उसको भी हम लोग शामिल यहाँ पे किए हुए हैं, देखिए शामिल कर दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ये जो है आपका जो है ना सीएचएसएल 21 थर्ड शिफ्ट है, तो ये आपका जो है सीएचएसएल 21 का क्वेश्चन है, ये आपका जो है सीएचएसएल है, ये जो था आपका सी एच एस एल है, उसके बाद से बिहार एस एस सी ग्रेजुएट लेवल है, उसके बाद देखेंगे आप लोग तो यहाँ एम टी एस है, ये एम टी एस का एग्जाम है, यानी कि इस कोर्स को हाँ ध्यान दीजिए अब आप लोग इसका मतलब क्या है, अगर इस कोर्स को अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, देखिए हमारे पढ़ाने में क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस ये मिल रहा है कि कंसेप्ट बिहार एसएससी का ऑल प्रीवियस ईयर और साथ में कुछ अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपका तैयारी, अगर मान लीजिए आप केवल प्रीवियस ईयर को देखते हुए तैयारी किए और 2017 के बाद मैथ का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा चेंज हुआ है, उस चेंज को आप ध्यान नहीं दिए तो उसके बाद क्या होगा बताइए, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए भाई हम सब पे ध्यान दिए हुए हैं, सब पे ध्यान देकर अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर इजी लेवल आएगा तो क्या होगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर आएगा तो क्या होगा, कैसे आप बनाएंगे, और साथ में कुछ न्यू क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे बनाएंगे, तो हर पहलू पे ध्यान देते हुए पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत से इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि केवल रिकॉर्डिंग करने में ही मेहनत नहीं लगता है, इसके पहले क्वेश्चन कलेक्ट करना, हर जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए एक एक क्वेश्चन को देना, इसमें अच्छा वक्त लगता है, ठीक है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के पहले लाइक तो पक्का कर दीजिए, और जो भी आपके भाई बहन दोस्त अगर बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला टाइप में क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा 5 × 15, उसके बाद ऐसे करिएगा 4 × 3 = 12, और उसके बाद यहाँ पे 4 × 5 = 20, तो आपका यही आंसर हो जाएगा भाई, 15 12 20 15 12 20, आपका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है ये, बताइए 15 12 20 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम इसी पे देते हैं आधारित आप लोगों को, ठीक है ना। आप सारे लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, क्या ये आपसे बन सकता है, क्या बताइएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या है बाबू, इसमें ऐसे दिया हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चन पे आने के पहले एक और क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है,
बी अनुपात सी अगर आपको एक अनुपात मान लीजिए चार दिया हुआ है तो कैसे बनाइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, अभी आप सीखे थे। पहले तो सीधा सीधा गुणा करेंगे दो आ जाएगा, उसके बाद से तीन एकम क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा, और उसके बाद तीन चौका कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा। तो ये अगर काम कर देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकल जाएगा, ये चीज आप सीख लिए हैं। अब आप लोग इसको समझिए क्या है, यहाँ पे देखिएगा ए अनुपात बी इज इक्वल टू दो अनुपात तीन है, बी अनुपात सी इज इक्वल टू चार अनुपात तीन है, और उसके बाद सी अनुपात डी इज इक्वल टू है आपका तीन अनुपात चार है, भाई तीन अनुपात सात है। तो अब की बार आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी सी डी, ये निकालना है जी, ये निकालना, ये कैसे निकाला जाएगा बताइएगा अब आप लोग। तो सबसे पहले सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो बताइए दो गुणे चार, चार दुना आठ, आठ आठ तीन का चौबीस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहां से हम चलेंगे, ध्यान दीजिए यहां से चलेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो तीन टर्म आ रहा है, ये एक रास्ता है और इस रास्ते में तीन टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो एक रास्ते में तीन टर्म, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौबीस आ जाएगा। अब यहां से हम चलेंगे जहां मोड़ आएगा वहां मुड़ जाना है, तो यहां से मोड़ आया, मुड़ गए हम लोग, ऐसे एक रास्ता बनेगा, और इस रास्ते में भी तीन टर्म, पहला रास्ता में एक दो तीन टर्म, तो इसमें भी तीन टर्म, तीन चौका बारह, बारह यही छत्तीस हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिए फिर यहीं से चलेंगे, चूंकि यहां से आप मुड़ गए हैं तो अब यहां से नहीं मुड़िए, आगे बढ़िए, और यहां मोड़ आएगा तो यहां से मुड़ जाइए। इस रास्ते में भी तीन टर्म, पहला दूसरा तीसरा, तीन तीन के नौ, नतीरी कितना सताइस, तो सताइस हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में ऊपर से ही चलेंगे, यहां से तो मुड़ चुके थे, यहां से भी मुड़े थे, नहीं मुड़ेंगे, अब हम सीधे सीधे नीचे आ जाएंगे। इस रास्ते में भी तीन टर्म होगा, तीन तीन के नौ, और नौ सात कितना तिरसठ हो जाएगा, तो नौ सात तिरसठ हो जाएगा, तो ये आंसर होने वाला है। अगर ये कटने वाला है तो कटा लीजिए भाई, तीन से कट जाएगा, तीन आठ चौबीस, तीन से कटेगा बारह बार में, तीन नवा सताइस, और तीन से कटाइएगा तो इक्कीस बार में, तो आठ बारह नौ इक्कीस, आठ बारह नौ इक्कीस आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर। तो ये अगर समझ गए तो ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए आप लोग कैसे बनाइएगा जी। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी इक्वल टू एक अनुपात दो, बी रेशियो सी इक्वल टू टू रेशियो थ्री, और यहाँ पे सी रेशियो डी अगर हम दे दें वन इज टू फाइव दे दें, तो कैसे निकालिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालिएगा आप लोग? तो चलिए देखिएगा जी, सबसे पहले सीधा सीधा गुणा करेंगे, एक गुणे दो एकम एक दो हो जाएगा। उसके बाद से ऐसे आइए, यहां से घूम जाइए, दो दूना चार, चार एकम चार हो जाएगा। उसके बाद से ऐसे गुणा करिए, दो का गुणा तीन से छह, छह एकम छह हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में ऐसे कर लीजिए, दो तिहाई छह, छह पचे कितना तीस हो जाएगा। अब इसमें दो से कटाइएगा तो एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात पंद्रह हो जाएगा, तो हम लोग का जो आंसर है ना ये आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बताइए?
ये समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और हम देते हैं, ठीक है ना। सब लोग यहाँ पे देखेंगे भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी इजकल टू 2:1 है, यहाँ पे बी अनुपात सी इजकल टू 1:3 है, सी अनुपात डी इजकल टू मान लीजिए कि 2:3 है, तो इसको सॉल्व करके आपको एबीसीडी निकालना है। एबीसीडी निकालना है, कैसे निकालिएगा देखिए आप लोग। तो 2 × 2 = 4, उसके बाद से 1 × 1 = 2 बताइए 2 हो जाएगा, उसके बाद से बताइए ऐसे करेंगे 1 × 3 तीन, 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, और उसके बाद से ऐसे करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या ये समझ पाए आप लोग? अगर समझ गए तो एक और एग्जाम्पल इस टाइप का समझिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सारे लोग। जैसे मान लीजिए भाई, अगर आपसे बोला गया ए अनुपात बी बराबर समथिंग दे दिया गया 1:2, बी अनुपात सी आपको दे दिया गया 2:3, और यहाँ पे सी अनुपात डी दे दिया गया 1:4, और डी अनुपात ई दे दिया गया, डी अनुपात ई 2:1 दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया। देखिए इसका खासियत क्या है, इस वाले टाइप का खासियत क्या है, ए के बाद बी आएगा, और जहां पे ये इंड करेगा ना बी, वहीं से स्टार्ट होगा, बीसी आएगा, बीसी के बाद देखिए ये इंड किया सी पे, तो ये सी से स्टार्ट होगा, सी डी आया, डी पे इंड तो डी से स्टार्ट डी आ जाएगा। यानी कि देखिएगा, यानी कि ए के बाद बी, तो बी बी सी 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 डी 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 ई, इस टाइप से देगा, तभी इस तभी आप जाकर ये वाला मेथड अप्लाई करिएगा लो, ठीक है ना। अब देखेंगे भाई, पहले सीधा सीधा करिए, 1 × 2 × 1 × 2 2 × 2 = 4 हो गया, उसके बाद देखिएगा ये आप लोग ऐसे करिए 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, उसके बाद देखिए ऐसे आइए, यहां से घूमते हुए नीचे आ जाइए, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा आना है आप लोग को, तो बताइए 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहां से आप ऐसे मुड़ेंगे ना, यहाँ पे एक भी मुड़ है, तो बताइए 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48 हो जाएगा, और जो लास्ट में है यहाँ पे सीधा सीधा नीचे आना, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 1 = 24 हो जाएगा, तो आपका 24 हो जाएगा। तो ये अब की बार जो रेशियो निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई भी निकल गया, 5 चीज है। अब कटा लेंगे भाई, जिससे कट रहा है, 4 से कटेगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 से कटेगा 12 बार में, 4 × 6 = 24, 6 बार में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं? अब देखिएगा सारे लोग, अब यहाँ पे हम जो बता रहे उसको देखिए। मान लीजिए कहीं ए अनुपात बी दे दे 1:3, बी अनुपात सी दे दे 2:3, और आपसे बोला जाए कि फर्स्ट निकालिए लास्ट निकालिए। अगर आपसे बोला जाए, आप लोग से अगर बोला जाए कि ए निकालिए और सी निकालिए, ए और सी निकालिए, आपसे बोला जाए ए निकालिए और ई निकालिए, फर्स्ट का लास्ट से निकालिए, तो पहला के लिए सीधा सीधा, लास्ट के लिए सीधा सीधा करेंगे, तो अगर हमको फर्स्ट बोला जाए लास्ट बोला जाए ना, तो सीधा सीधा गुणा कर देना है बस, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 × 2, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो यानी 2:9 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का। ये क्लियर है क्या, बताइए? चलिए अगर ये क्लियर है तो इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छे से देखा जाए बाबू कैसे करेंगे। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है ना, लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हम और अच्छे से, मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को रिकॉर्ड करके डालते रहे, और पूरा बिहार सचिवालय में मैथ में 25 में 25 नंबर लाना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 3 संख्याओं का योग 98 है भाई, 3 संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए 3 संख्या एबीसी है, इसका योग 98 दिया हुआ है। उसके बाद पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, a अनुपात b दिया हुआ है, ठीक है ना, 2:3। उसके बाद देखिएगा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 दिया, 8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको। आपसे बोला कि तीसरी संख्या कौन सी है निकालिए, तो सबसे पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए यहां से, क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा।
तो दो पांचे दस हो जाएगा, यहाँ पे तीन पांचे पंद्रह हो जाएगा, उसके बाद तीन आठे कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए तीनों का अगर जोड़ा जाए, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, चौबीस में अगर हम पंद्रह जोड़ दें, चौबीस प्लस पंद्रह उनतालीस, उनतालीस दस उनचास, अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे यहाँ तो उनचास आ जाएगा भाई। तीनों को जोड़िए, दस प्लस पंद्रह पच्चीस, पच्चीस चौबीस फोर्टी नाइन, आपका उनचास आ जाएगा, तीनों का योगफल उनचास, और यहाँ तीनों का योगफल अंठानवे दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी अंठानवे है, यहाँ ए बी सी का इतना इतना वैल्यू है, तो बताइए अंठानवे कटेगा दो बार में, यानी उनचास रिप्रेजेंट अंठानवे, एक यूनिट का वैल्यू दो हो गया, तो आपसे बोल रहा है कि तीसरी संख्या निकालें, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या चौबीस गुणे दो करेंगे, चौबीस दुना कितना हो जाएगा अड़तालीस, तो आपका जो आंसर हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा। क्या ये समझ आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है? अगर ये दिक्कत नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे बनेगा भाई। चलिए बताइए, हाँ सब लोग जो है एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, बिहार सचिवालय के बाद हाई कोर्ट का भी वैकेंसी है, सचिवालय है, हाई कोर्ट है, कितना सारा वैकेंसी है बताइए, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो मैथ सब जगह काम आएगा, बिहार सचिवालय में, उसके बाद से इंटर लेवल का भी वैकेंसी आएगा, उसमें भी काम आएगा, उसके बाद से हाई कोर्ट का वैकेंसी है, मतलब हाई कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट का वैकेंसी है, उसमें भी काम आपको आएगा, और सिविल कोर्ट के बाद अगर आप देखिएगा तीसरा चौथा अगर देखिएगा तो हाँ और भी जगह, जैसे बहुत जगह काम आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब समझिए बात को, यहां पे हम ए अनुपात बी दे दिए, ए अनुपात बी इक्वल टू, अच्छा ये देखने में खराब लग रहा है, तो जब कभी भी ऐसा दे दे कि दो बटा नौ रेशियो एक बटा तीन हो, तो सबसे पहले तीन से कटा लीजिए तीन बार में, तो ये हो जाएगा दो बटा तीन रेशियो वन हो जाएगा, अब तीन से गुणा कर दीजिएगा, तो ये तीन से गुणा इसमें भी करिए, इसमें भी कीजिएगा, तो ये कट जाएगा दो अनुपात तीन हो जाएगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे तीन से जाएगा तीन बार में, दो बटा तीन अनुपात एक, तो दो अनुपात तीन हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ए अनुपात बी लिख दीजिए, दो अनुपात तीन हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा बी सी, बी सी है तो सात से जाएगा दो बार में, दो दूना चार, चार अनुपात पांच, तो यानी यहाँ पे बी अनुपात सी हो जाएगा आपका चार अनुपात पांच हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट वाला देखिए, सुनिए यहाँ पे उल्टा दिया है, अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे उल्टा आपको दिख रहा होगा भाई, उल्टा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, यानी सी डी देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सी डी, लेकिन यहाँ पे डी सी दिया उल्टा, तो सबसे पहले रेशियो निकालिए, आइए उल्टा को सीधा कर लीजिएगा भाई, यही सब तो मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम जो क्वेश्चन आपको तैयार किए हुए हैं ना, हर छोटे छोटे पहलू पे विचार करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये पांच से कट जाएगा दो बार में, बताए सात बटा दो तीन है, तो सात बटा दो तीन है ना, तो ये सात अनुपात कितना हो जाएगा, छह, तो डी का वैल्यू सात और सी का वैल्यू छह हो जाएगा, इसको उलाट दीजिएगा ना, तो छह अनुपात कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, अब आप यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया, अगर आप करेंगे यहाँ पे तो सीधा सीधा, तो करिए दो दो चौका कितना आठ, दो चौका आठ, आठ छक अड़तालीस रेशियो, यहाँ पे करिए तीन चौका बारह, बारह बारह छक बहत्तर, उसके बाद देखिएगा आप लोग तीन पाँचे पंद्रह, पंद्रह छका नब्बे हो गया, पंद्रह छका नब्बे, और उसके बाद देख लीजिए तीन पाँचे पंद्रह, पंद्रह सात कितना एक सौ पांच हो गया, एक सौ पांच हो गया यहाँ पर, तो ये रेशियो बनने जा रहा, अगर हम तीन से कटाएंगे तो ये हो जाएगा बारह तीन अड़तालीस, तीन से कटेगा तीन दूना छः, तीन चौका बारह, तीन से कटेगा तीस बार में, तीन से कटेगा पैंतीस बार में, तो आंसर हो जाएगा बारह चौबीस, ठीक है ना। तीन से कटेगा ये सोलह बार में, सोलह तीन अड़तालीस, तीन से सोलह, तो सोलह चौबीस तीस पैंतीस, सोलह चौबीस तीस पैंतीस, ये आंसर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलिए तो इसमें क्या ध्यान देना आप लोगों को, आप लोगों को ध्यान इस पे देना है भाई कि यहाँ पे डी अनुपात सी जो है वो डी अनुपात सी पे ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा लेना है, सी डी लेना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे चेंज करके आ जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक लड़का है लड़की, किसी स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 3:7 है भाई, 3:7 कितना है 7 है। निम्न में से कौन उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, 3 लड़का 7 लड़की टोटल कितना, टोटल कितना 10, तो टोटल 10 यानी उस स्कूल में टोटल 10 विद्यार्थी होना चाहिए, यानी स्कूल में 10 के मल्टीपल में विद्यार्थी होना चाहिए, तो 10 से 40 कटेगा 4 बार में, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं होगा क्योंकि टोटल का वैल्यू 10 जो है ना 10 के मल्टीपल में ये नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, राम दे रखा है, उसके बाद से रहीम है, राम और रहीम 7:8 में है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 है, रहीम की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना है 66 है, तो आपसे बोल रहा है कि राम की ऊंचाई बताइए, राम की ऊंचाई बताइए। देखिए आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8 बराबर 66 आप समझिए, 8 बराबर 66 एक बराबर निकालेंगे तो 66/8, तो अगर आपको निकालना है, अगर आपको राम की ऊंचाई निकालना है तो राम की ऊंचाई कितना 7 यूनिट है, तो आप ऐसा करिएगा 66/8 आप गुणे 7 कर दीजिए, 2 से कटाइएगा 4 बार में, 2 से कटेगा 33 बार में, 7 3 21, 7 3 21 21 और 2 23 हो जाएगा, अब बटा में 4 हो जाएगा, अब 4 से 4 5 20, 3 3 पे 0 5 हो गया, तो 5 से स्टार्ट करने वाला कौन ऑप्शन है बताइए, 5 से स्टार्ट करने वाला यही ऑप्शन है, ठीक है ना, तो कटाएंगे तो 57.75 आ जाएगा आपका, अगर आप भाग लगाएंगे तो 57.75 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए जो लोग थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह पढ़ रखे हैं वो ऐसे सोचिएगा कि राम का उम्र ऊंचाई है, यहाँ पे देखिए राम की ऊंचाई रहीम के ऊंचाई से ना एक कम है 8 पे, यानी 12.5% कम है, यानी ये जो राम है ना ये रहीम से 12.5% कम है, तो अगर रहीम 66 है तो इसका 12.5% इसका 10% 6.6 होगा, 12.5% 7 के आसपास कम होगा, यानी कि 7 के आसपास कम कर देना है, तो 66 में से अगर घटाइएगा ना 12.5% घटाइएगा तो यही आएगा, मतलब 6 7 7 8 घटाएंगे तो यही आएगा, ये तो बढ़ गया, ये तो बहुत ज्यादा घट गया है। मेरे कहने का क्या मतलब है आप बात को समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए राम की वह आयु रहीम से 12.5% कम है, ये एक कम है 8 पे, तो 12.5% कम है, तो आप बताइए अगर रहीम का ज्यादा तो राम का कम, रहीम का ज्यादा तो राम का कम, इसका 66 है तो इसका 66 से कम होगा, तो ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं ये बहुत कम है, 7 है तो 8 है, 12.5% कम, तो 66 का 12.5% कम करेंगे ये आंसर आ जाएगा, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देख लीजिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यहाँ पे 24 32 में से 8 घटाया जाए, तो 24 में से 8 घटाएंगे 16 लिखेंगे, अब 32 में से 8 घटाएंगे 24 लिखेंगे, संगत अंक इस अनुपात में होंगे, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 3 24, 2:3 आंसर, 2:3 आंसर हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या, मान लीजिए 2 संख्या ए और बी है यहाँ पे, तो 2 संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, ठीक है ना, तो छोटी संख्या जो ये है छोटी वो बड़ी संख्या बी का 2/3 है, ऐसा बोल रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, छोटी संख्या ए बड़ी संख्या का माने गुणा होता है, ठीक है ना, का 2/3 है, तो ए बाई बी आप लिखेंगे तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। याद कीजिए जिससे तुलना होता है भाई, जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, तो छोटी संख्या ए बड़ी संख्या का जहां पे का लग जाए उससे तुलना होता है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का बड़ी संख्या बी का 2/3 है, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे, या डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे इनका योग 60 है, आप ही लोग बताइए इनका योग 60 है भाई, तो इनका योग 60 है, 2 और 3 5, इनका योग 2 3 5 है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 है, 5 बराबर 60 एक बराबर निकालेंगे तो 60/5 आएगा, तो 5 से कटेगा 12 बार में, तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है ना,
अब आपसे बोल रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो आप ही लोग बताइए बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या तीन है कि दो है, तो तीन है तो बड़ी संख्या बताना है। अगर हम 12 से गुणा कर देंगे, 1 बराबर 12 है तो 3 बराबर 12 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, उसके बाद बताइए बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना 4:5, और उसके बाद से सी अनुपात डी आपको दिया हुआ है 6:7। आपसे बोल रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात डी निकालिए, ए अनुपात डी निकालिए। ए का मतलब पहला, ए का मतलब क्या चीज पहला, और डी का मतलब क्या चीज लास्ट वाला। ए का मतलब पहला हुआ, डी का मतलब लास्ट वाला हुआ, तो आप बताइए सीधा सीधा अगर आप गुणा कर देंगे ना, देखिए अगर हमको ए बी सी डी निकालना होता, अगर ए बी सी डी अगर निकालना होता तो सीधा ऐसे ऐसे और सीधा, लेकिन हमको बी और सी नहीं निकालना है, ए और डी निकालना है, तो सीधा सीधा करेंगे भाई। देखिए 2 चौका 8, 8 छक 48 हुआ, उसके बाद यहां बताइए 3 5 15, 15 7 कितना 105 हुआ, तो आपका जो आंसर आएगा ना ये 48:105 है। अगर 3 से कटाइएगा तो 3 से 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 से 35 यानी कि 16:35, तो 16:35 ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या ये समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का देते हैं, इसको बनाइए आप लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग इसको बनाइएगा, सारे लोग ध्यान देंगे और इसको बनाएंगे जी, ठीक है। देखिए इसमें हम दे रहे हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी अगर हम दे रहे हैं आपको 1:4 दे रहे हैं, और सी अनुपात डी अगर हम मान लीजिए आपको 2:1 दे दें, ऐसा कर दें, तो क्या आप ए बी सी, आपको ए बी सी डी नहीं निकालना है, आपको ए अनुपात डी निकालना है, ए अनुपात डी फर्स्ट लास्ट, तो सीधा सीधा बोलिए कितना 4, और यहाँ पे सीधा सीधा 3 चौका 12 कटा देंगे तो बताइए, कटाएंगे तो 1:3 कितना 3, 1:3 आंसर आ जाएगा। बोलिए ये क्लियर है क्या। अब इसको पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिख रहा है, किसी चिकित्सक संस्थान में पहली दो कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात, पहली दो कक्षा मान लीजिए कि ए अनुपात बी है भाई, और ये जो है 8:17 में है, दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात, दूसरी माने बी तीसरी माने सी का अनुपात जो है ये 2:3 है भाई, ये आपका 2:3 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली तीसरी का औसत क्या होगा, जबकि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 612 है, तो दूसरी का दिया हुआ है और पहला और तीसरा माने ए और सी का एवरेज पूछ रहा है। अगर आपसे बोल रहा है कि ए और सी का एवरेज बताइए, तो एवरेज बताइए क्या होता है, आप ही लोग बताइए, ए और सी का एवरेज क्या होता है, ए प्लस सी बाई टू, ए और सी का एवरेज ए प्लस सी बाई टू होता है, जबकि बी का वैल्यू यहाँ पे बी का वैल्यू 612 दे रखा है, तो बी का वैल्यू 612 है, ए और सी का एवरेज पूछ रहा है, पहली और तीसरी ए और सी का एवरेज निकालना है, तो ए प्लस सी बाई टू करेंगे, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रेशियो निकालिए, यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए, बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 8 × 2 = 16, 17 × 2 बोलिए 34, 17 × 3 = 51 हो गया। क्या ये समझ आ रहा है आप लोग को, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, तो अगर हम बोले यहाँ पे कि ए और सी का एवरेज निकालिए, ए और सी, तो यहाँ पे करिएगा 16 + 51/2 करेंगे, सॉल्व करिए आप, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 × 7 मिला, 5 × 6 = 67/2 मिला, यही निकालना है। अच्छा आप ही लोग बताइए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 34 है, 34, तो यानी 34 बी का वैल्यू 34 रिप्रेजेंट करेगा 612 को। आप बोले कि बी का वैल्यू 34 आया और क्वेश्चन में बी का वैल्यू 612 दिया है, तो 34 रिप्रेजेंट करेगा 612 को। अगर 34 रिप्रेजेंट करेगा 612 को, एक यूनिट निकालना हो तो 612 में हम 34 से भाग दे देंगे, 2 से कटेगा कितना बार में 17 बार में, 2 से कटेगा 3 × 0 = 6 बार में, 17 × 1 = 17 बचेगा कितना बोलिए 13 × 13 = 6 आएगा, 13 × 6 आएगा तो 8 बार में जाएगा, ठीक है ना, 18 आ जाएगा, 1 = 18 आ गया। तो जो एवरेज निकालना है
ये एवरेज कितना यूनिट आया है, 67/2 यूनिट है, 67/2 यूनिट है, जबकि एक यूनिट 18 आ गया। तो यहाँ 18 से गुणा कर दीजिए तो 2 से जाएगा कितना बार में, 9 बार में, 9 से गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 9 × 7 = 63, 3 इकाई अंक 3, इकाई अंक 3 आ जाएगा, 9 × 7 = 63 का 3, 9 × 6 = 54, और 54 × 6 कितना होता है 60, तो 603 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 सारे लोग देखेंगे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुलित और देवांश, तुलित को ए मान लेते हैं, देवांश को बी मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से शीतल और देवांश, शीतल और देवांश, देवांश को बी माने हैं, बी, और शीतल को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइएगा ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए अनुपात बी 7:9 है, 7:9 है, ए अनुपात बी 7:9 है, यहाँ सी अनुपात बी दे रहा है, तो यहाँ पे सी अनुपात बी देने वाला है कि सी और बी का अनुपात 7:7 कितना है, 15 है। लेकिन हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है ना, तो बी अनुपात सी लिख दीजिए, उलाट के बी अनुपात सी लिख दीजिए, सी अनुपात बी का उल्टा, बी अनुपात सी, 7:15 का उल्टा हो जाएगा, 15:7 कितना, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, तुलित और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए, तुलित, तुलित माने ए, और आपको शीतल माने, शीतल माने क्या चीज, सी। तो आपसे बोल रहा है कि ए और सी का अनुपात बताइए, ए और सी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो भाई सीधा सीधा गुणा करना होता है, तो ये हो जाएगा 15:7 रेशियो, ये हो जाएगा 9 × 7, 9 × 7, 7 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5:3 आंसर, 5:3 आंसर हो जाएगा। तो 5:3 आप लोग का आंसर है, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। तो एकदम अच्छे से पूरा वीडियो को भगाइए नहीं, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइए। अगर पूरा वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा ना, तो भाई रेशियो का एक क्वेश्चन ना छूटेगा, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन ना छूटेगा, इसके अलावा जो एज है ना, एज, एज का भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि पूरा चैप्टर एज रेशियो पे डिपेंड करता है। अब इसको देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा बताइए। देखिए 3 संख्याओं का योग 98 है, ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है जी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 संख्याओं का योग 98 है। उसके बाद बताइए ए अनुपात बी दिया 2:3, 2:3, बी अनुपात सी दिया है 4:8, तीसरी संख्या निकालना है, ए बी सी कर लीजिए, बताइए 4 × 2 = 8 आ गया, 3 × 4 = 12 आ गया, 8 × 3 = 24 आ गया, 4 से कटाइएगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से 6 बार में, 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, अगर तीनों को जोड़ देंगे, चार से कटा 2 बार में, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, तीनों को जोड़ के 11 आ गया यहाँ पे, तीनों को जोड़ के 11, और तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है, ये तो अजीब हाल हो गया भाई, क्वेश्चन में एरर है लगता है। ये तो क्वेश्चन लगता है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी जो बनाए थे हम लोग, एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना अभी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 98, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 98, ठीक है, पहली दूसरी का अनुपात 2:3 और 5:8, 2:3 = 5:8, ठीक है, 2:3 = 5:8, तीसरी निकालिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, तीसरी निकालिए। तो यहां पे देख लीजिए आप लोग, अंठानवे 2:3 = 5:8, यहां पे 5:8 दिया है, यहां 4:8 दिया है, तो हम गलत लिख ही दिए यहां पे, ठीक है ना। यहां पे अगर आप देखिएगा तो 5:8 है भाई, 5:8 बीसी का, तो यहां हो गया 5, ये हो गया 8 आपका। अब करिए 5 × 2 = 10 आ गया, 3 × 5 = 15 आ गया, 3 × 5 = 15, 8 × 3 = 24। अब देखिए आप 10 15 कटेगा नहीं,
तो 10 15 25 आप 25 में 24 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 बराबर 98, 1 बराबर 2 आ गया, और 1 बराबर 2 आ गया तो तीसरी संख्या कौन सी है, 24 है, और 24 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको बनाइए आप लोग, देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी फेज 9 2022 का ये क्वेश्चन है, तो इसको बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा, कमेंट करिए, आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट भी करना आप लोग को। देखिए 2485 रुपया है, यहां पे तीन लोग एबीसी है भाई, तीन लोग एबीसी में बांटना है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात यहां पे बोल रहा है कि ए अनुपात बी जो दिया है ना 8:5 है, 8:5 है, उसके बाद बोल रहा है कि सीए के हिस्सों का अनुपात, सीए यहां पे सी अनुपात ए दिया हुआ है 4:3, तो बी का हिस्सा निकालना है आप लोग को। एक बात समझिए भाई, ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया, ऐसा थोड़ी दिया है कि ए अनुपात बी और उसके बाद बी अनुपात सी, तो दिया नहीं है, ऐसा नहीं दिया है, तो हम बेसिक से बनाते हैं, आराम से बनाते हैं। देखिए इसमें और इसमें गौर से देखिएगा तो सी कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, ए का वैल्यू 8 है, यहाँ ए का वैल्यू 3 है, तो 3 और 8 को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो बताइए ए का वैल्यू यहाँ 8 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका 3 इसमें गुणा कर दीजिए, इसका 8 इसमें गुणा कर दीजिए, 8 8, अब बताइए इसमें 3 से गुणा, तो अब बताइए ए बी सी का वैल्यू अगर यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 3 का 24 आ जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 15 आएगा, सी का वैल्यू देखिए पहला 8 4 का कितना है 32 है, 32 है, अस्सी 32 है, और ए का वैल्यू 8 3 का 24 है, ये 24 है, तो हम लोग का यही बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना आप लोग को, ठीक है ना, ये बन गया, अगर इसको ऐड करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, 24 4 5 9 9 2 11 1 4 5 9 2 11 1, हाथ में 1 2 1 3 3 3 6 कितना 7 71, अगर जोड़िएगा तो 4 5 9 9 2 11 का 1, हाथ में 1 2 1 3 3 3 6 7 71 हुआ, तीनों को जोड़ने पे 71 आया, ए प्लस बी प्लस सी 71 है, तीनों मिला के 71 है, 2485 रुपया को तीनों में बांटे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2400 कितना होगा, 85 होगा। अब बताइए 71 बराबर 2485, भाग लगा के देखना पड़ेगा, तो भाग लगाया जाए, एक यूनिट निकालेंगे तो 2485 बटा में 71 आ जाएगा, भाग लगा के देखिए यहाँ पे 2485 में हम लोग भाग लगाते 71 से, तो 7 3 का 21, 3 बार में 3 3 हो जाएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ जाएगा 5, 5 बार में जाएगा 5 7 5 35, यानी 35 बार में कट जा रहा है, तो 35 बार में कटेगा, तो ये 35 आ गया आपका। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी का हिस्सा निकालिए भाई, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कौन है बताइए, ये 15, तो 15 × 35 करना पड़ेगा, 15 × 35 करिए, 15 5 75 का 5, 15 3 45 45, 7 52 हो जाएगा, तो 525 रुपया, तो यानी 525 आपका आंसर हो जाएगा इसका, कितना समझे आप लोग, बोलिए क्लियर है क्या। तो एक बार और समझा देते हैं इसको, ठीक है ना, देखिए कुछ नहीं है, ए बी सी में 2485 बांटना है, पहला बात, ए अनुपात बी का वैल्यू 8:5 दिया है, और उसके बाद से बी सी नहीं दिया, यहां पे सी अनुपात ए दे दिया कि सी अनुपात ए 4:3 है, तो हमको जो कॉमन है वो पकड़ लेंगे भाई, इसमें जैसे ए है आ इसमें ए ये है, ए है पहला वाला आ ए है लास्ट वाला, इसको इक्वल करने के लिए 3 से गुणा इसमें, आ इसका 8 जो है इसमें गुणा कर दीजिए 8, ऐसा करने से ए का वैल्यू 24 आ गया, और यहाँ पे भी ए का वैल्यू 8 3 का 24 है, तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा आपको 8 8 3 का 24 हो गया, बी का वैल्यू जो हो जाएगा 8 3 का 24, बी का वैल्यू 5 3 15, सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, पहला 8 4 का 32 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा, तीनों का वैल्यू यहाँ पे दिया 2485, एक यूनिट निकालेंगे तो ये 35 बार में कट रहा है, ठीक है ना, आपसे बोल रहा है कि इसका वैल्यू बी का निकालिए, तो 35 से गुणा कर दीजिए, 35 × 15 करिएगा, आपका जो आएगा 525, तो 525 सी आंसर हो जाएगा,
अब इसको देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप सारे लोग कमेंट करके बताइए भाई। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्या बता सकते हैं कि नहीं। अरे वही तो है, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज किया है, 2a अनुपात 3d, माने a अनुपात d निकाल दीजिएगा और उसमें 2 से गुणा 3 से गुणा कर दीजिएगा। नहीं समझे कैसे करेंगे बताइए, a अनुपात b का वैल्यू बताए कितना है 3, 5, b अनुपात c बताए कितना है आपका तो 7, 8 है, और c अनुपात d अगर करेंगे तो c अनुपात d बताए 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको फर्स्ट लास्ट से मतलब है, हमको a और d चाहिए, तो बताइए सीधा सीधा गुणा करेंगे, 2 3 6 6 7 42 हुआ, यहाँ पे बताइए 5 3 15 15 8 120 हो गया, कटना होगा तो कटा लेंगे, 6 से कट जाएगा, 7 बार में 6 से कटेगा, 6 दूना 12 20 बार में, तो ये आ जाएगा आपका। अब हमको ये ए है, ये ए है और ये डी है, लेकिन हमको 2a चाहिए और यहाँ पे 3d चाहिए, तो ए के जगह पे 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 रखेंगे, ए के जगह पे 7 रखेंगे, 7 दूना 14, और यहाँ 20 रखेंगे, 20 कितना 60, कटाएंगे तो बताइए ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 30, 37, तो यानी हम लोग का 37 आंसर हो जाएगा। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, 3 संख्याएं दी गई है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात, पहली दूसरी का अनुपात का मतलब ए अनुपात बी, 2 अनुपात कितना है 7 है, दूसरी तीसरी का अनुपात बी अनुपात सी बताइए 5 अनुपात कितना 8 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, बताइए पहली और तीसरी बना लीजिएगा सीधा सीधा, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 10 अनुपात 8 7 56, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात 28, 5 अनुपात 28। इसको देखिएगा आप लोग, देखिए इसमें क्या दिया है, पी क्यू बराबर 10 11, क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर बताइए 11 अनुपात कितना 11 अनुपात 12, ये तो आसान है, इसमें हम देख रहे हैं कि क्यू का वैल्यू 11 है और यहाँ पे देख रहे हैं क्यू का वैल्यू 11 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है भाई, Q का वैल्यू 11 और इसमें भी Q का वैल्यू 11, तो डायरेक्ट ये तो रेशियो ही मिल जाएगा, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा पी क्यू आर, देखिए पी क्यू 10 11, तो ये हो जाएगा 10 11, और उसके बाद से क्यू आर करिएगा तो 11 12, तो ये 11 है तो ये कितना 12, तो निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है पी प्लस क्यू, आप लोग को निकालना है यहाँ पे पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर, और उसके बाद से निकालना आप लोग को R प्लस पी निकालना है, तो ये चीज निकालना है, P प्लस क्यू करेंगे तो ये 10 में 11 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, Q प्लस R करेंगे 11 11 22 11 2 22 23 आ जाएगा, और अगर R प्लस पी करेंगे तो 12 में 10 जुड़ेगा तो 22 आ जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा 21 23 22 21 23 22, ए आंसर 21 23 22 ए आंसर, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, यानी क्रिकेट अनुपात फुटबॉल की संख्या 27 अनुपात 13 है भाई, 27 अनुपात 13 है। उसके बाद यह है कि फुटबॉल और हॉकी का बात हो रहा है यहाँ पे, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले का अनुपात 26 अनुपात 17 है, 26 अनुपात 17 है, 26 अनुपात 17 है। 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, यानी कि टोटल विद्यार्थी 870 है और प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है, यानी टोटल देखा जाए तो क्रिकेट प्लस फुटबॉल और प्लस हॉकी मिला के 470 विद्यार्थी है, 470 विद्यार्थी है, कोई भी खिलाड़ी 2 खेल नहीं खेलता है, और साथ में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो एक भी खेल नहीं खेलता है, यानी 470 विद्यार्थी है तो 470 क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों मिला के 470 लोग होंगे, 470 लोग खेल रहे होंगे, बात आ रही समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में इसके बाद क्या लिख रहा है, बोला कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो क्रिकेट का परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज ऑफ क्रिकेट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ क्रिकेट निकालना है, अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थान तक शुद्ध रखे, शुद्ध दें, तो क्रिकेट निकालना है तो क्रिकेट ऊपर लेंगे, टोटल नीचे लेंगे, अगुणे कितना कर देंगे 100, ये अगर हम काम कर देंगे ना
तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक बात को समझिए, सबसे पहले कि आंसर अगर परसेंट में निकालना है तो इस एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर अगर एक्चुअल में निकालना होता तो एक्चुअल से मतलब होता, याद कीजिए, अगर एक्चुअल निकालना होता तो एक्चुअल से मतलब होता, लेकिन जब एक्चुअल निकालना ही नहीं है तो एक्चुअल से मतलब है कि नहीं है? नहीं है, हमको बस रेशियो से मतलब है। अब रेशियो में ऐसे ऐसे अगर गुणा करिएगा, ऐसे ऐसे गुणा करिएगा, ऐसे ऐसे गुणा करिएगा तो टाइम लगेगा भाई, गुणा करना टफ है, यहाँ पे टफ है। तो बेहतर क्या है, थोड़ा सा समझिए आप, यहाँ फुटबॉल का वैल्यू 13 है और यहाँ फुटबॉल का 26 है, ये 26 है और ये 13 है, तो इस 13 को 26 बना लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, तो 2 से गुणा कर लेते हैं। तो बताइए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट का हो जाएगा 27 दुना कितना 54, फुटबॉल का निकालेंगे, फुटबॉल का 13 दुना कितना 26 हो जाएगा, और उसके बाद हॉकी का, फुटबॉल का, हॉकी का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आपको परसेंट निकालना है, किसका परसेंट निकालना है, क्रिकेट का। तो बताइए, परसेंटेज ऑफ क्रिकेट इज इक्वल टू 54 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहा है, और टोटल जोड़ लीजिए, तो टोटल जोड़िएगा तो बताइए 6 इसको दे देंगे 60, 60 20 80, 80 10 90, 90 7 97 हो गया, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग लगाइएगा तो लगा ही लेते हैं भाग, ठीक है ना, भाग लगा लेते हैं भाई, चूंकि आंसर बहुत क्लोज क्लोज है, ठीक है ना, 5400 आप बटा में यहाँ पे 97 कर दीजिए, तो 97 से भाग लगाएंगे, सबसे पहले 5 बार में 5 सते 35, 3 5 नवा 45, 45 45 3 48 हुआ, 10 में से 5 5 आया, 13 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5 आया, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 550 आ जाएगा। अब 97 से और 5 ही बार में भाग लगेगा, तो 5 सते 35, 8 और यहाँ पे 4 आएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 50, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, ये कट जाएगा 65 आ गया, तो दशमलव में और कुछ आने वाला, यानी 55 कुछ आंसर, तो 55 कुछ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा 55 कुछ, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या ये समझ आया आपको, बोलिए हाँ कि ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए आप लोग, देखिए बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2015 का ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाइए, समझिएगा आप लोग कैसे बनाएंगे भाई। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी में अगर 680 रुपया डिवाइड किया जाता है, ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा का 2/3 है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ए को, ये जो ए है ना, ए को बी का 2/3 मिला, बी का 2/3 मिला, तो ए बटा बी बराबर 2/3 हो जाएगा, ए बटा बी बराबर 2/3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा बोले कि ए को बी का, तो ए बटा बी का वैल्यू 2/3 है, ए अनुपात भी 2/3 है, बी को सी का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं बी अनुपात सी, एक अनुपात कितना 4, उनको कितनी कितनी राशि मिली, उनको क्रमशः कितनी कितनी राशि मिली, तो आप बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी इजकल टू 2 × 2, 3 × 3, 3 × 4 = 12, ये मिल जाएगी। अब बताइए 2 × 3 = 5, 5 × 12 कितना 17, ये तीनों मिला के देखा जाए ना, तो 2 × 3 = 5 = 12 है, 17 = 680 है, 17 × 4 = 68, 1 = 40 है, तो इसको 40 से गुणा करेंगे 40 से, तो बताइए कितना आएगा 800, इसको 40 से करिएगा, 40 से करेंगे तो 80 आएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 40 से करेंगे तो 12 × 4 = 48 आ जाएगा, यानी 480 आ जाएगा। तो भाई ऐसे करके बनाना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बन जाएगा, बाकी ऑप्शन वगैरह से डील करना भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखना आप लोग को, एमटीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा, ऐसे तो देख के ही पता चल जा रहा है आपसे, अगर ए अनुपात डी पूछ रहा है, माने ए का अनुपात डी से पूछ रहा है, ए का अनुपात डी से पूछ रहा है, तो आपको जो है ना, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, अब बराबर बी अनुपात सी दिया हुआ है, अब बराबर सी अनुपात डी दिया हुआ है, अगर इसमें आपको ए का अनुपात डी से पूछ दे,
तो आपको कितना बार आगे जाना है, दो बार तीन बार आगे, एक बार दो बार तीन बार आगे, तीन बार आगे जाएंगे तो पावर तीन वाला आंसर होगा, आंसर ये हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? अगर आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात डी निकालिए, तो पहला का ए लेंगे और डी लास्ट में होना चाहिए, तो बताइए ए दो बार और डी यहां पे है, तो एक बार दो बार तीन बार, तो पावर तीन वाला आंसर हो जाएगा, बी बटा सी के पावर तीन हो जाता है। अब इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक होता है जो कि फाउंडेशन बैच में हम अच्छे से समझाते भी हैं, और फाउंडेशन बैच को अच्छे से पढ़े हैं आप लोग तो रिवीजन में याद कीजिएगा, ऐसा चीज हम बताए होंगे आप लोगों को, ठीक है ना, रेशियो में बताए होंगे, हम कुछ ऐसा एग्जांपल भी कराते होंगे, जैसे आप समझिएगा यहाँ पे, जैसे हम ऐसे कराते होंगे, देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए भाई देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे कराते होंगे आप लोगों को कि ए अनुपात बी इजकल टू, बी अनुपात सी इजकल टू, सी अनुपात डी, मान लीजिए कि दो अनुपात तीन है, मान लीजिए दो अनुपात तीन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन है, और क्या लिखेंगे बताइए, बी अनुपात सी बराबर क्या लिखेंगे, आपको दो अनुपात तीन लिखेंगे, सी अनुपात डी क्या लिखेंगे बताइए, तो दो अनुपात तीन लिखेंगे। अब अगर हमको ए अनुपात डी निकालना हो ना, ए अनुपात डी, तो यहाँ पे सीधा सीधा तीन बार गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दो का क्यूब आएगा, और यहाँ पे तीन का क्यूब आएगा, तो देखिए क्यूब आ गया। अगर सब इक्वल होगा तो ये चीज समझना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी है, अगर ऐसा कहीं भी है, इक्वल टू मान लीजिए हम एक्स वाई अपने मन से मान लेते हैं, एक्स अनुपात वाई, तो ए बी का वैल्यू कितना बताइए, एक्स वाई, अगर हम बोले कि बी सी का वैल्यू बताइए तो एक्स वाई हो जाएगा, और अगर हम बोले कि सी डी का वैल्यू बताइए तो ये भी आपका एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर हम बोले कि ए अनुपात डी बताइए, ए अनुपात डी बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सीधा गुणा करिएगा एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा क्या चीज, वाई का क्यूब हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बी अनुपात सी का वैल्यू एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो बी अनुपात सी का क्यूब हो जाएगा। ए अनुपात बी का भी क्यूब बोल सकते हैं, क्योंकि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी सब आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में चूंकि बराबर है तो हम बोल सकते हैं, मन होगा तो ए अनुपात बी का क्यूब बोल देंगे, बी अनुपात सी का क्यूब बोल देंगे, सी अनुपात डी का क्यूब बोल देंगे, तो कोई भी क्यूब बोल के हम आंसर दे सकते हैं। बात आ रहा समझ में कि नहीं आप लोगों को? अगर मान लीजिए हम ऐसे बात करें, देखिएगा जैसे यहां पे क्लियर है, ए अनुपात डी निकालना है तो एक बार दो बार तीन बार सबको एक्स वाई मानते, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आता, तो चाहे ए बटा बी का क्यूब बोल सकते हैं, बी बटा सी क्यूब बोल सकते हैं, सी बटा डी क्यूब बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ना बी अनुपात सी का क्यूब दिया है, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी में मान लीजिए आपसे ए अनुपात सी पूछ देता, आपसे अगर ए अनुपात सी पूछ देता, अगर आपसे ए अनुपात सी पूछ देता, तो ए से स्टार्ट करना है और सी मिलते मिलते बंद कर देना है, ए से सी, तो दो बार आगे जाना है, एक बार दो बार, तो स्क्वायर वाला आंसर होगा। तो उस केस में हम मारते ये वाला, मारते ये वाला आंसर, उस केस में हम मारते। तो ये कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से आप देखिए, रिविजन करिए, अच्छे से पढ़िए, और भाई ठीक है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आप समझिए कि पूरा का पूरा निचोड़ है, पूरा का पूरा रेशियो का निचोड़ है, इस निचोड़ को बढ़िया से एकदम करिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर समझना है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है बताइए, ए बाई टू इजकल टू बी बाई टू बराबर है यहाँ पे इजकल टू सी बाई टू, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, अगर क्वेश्चन में मेरा टाइपराइटर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है, आप बात को समझिए, इसको अगर हम के मान लेंगे तो क्या निकलेगा आप ही लोग बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकलेगा। अगर हम पहला वाला वैल्यू ए बाई टू को अगर हम के मानेंगे तो आप ही लोग बताइए, ए का मान टू के होगा क्या, वैसे ही इसका मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ तीन होता, ठीक है मान लीजिए यहाँ तीन होता तो थ्री के होता, और यहाँ पे अगर चार होता तो क्या होता, फोर के होता, सी बाई फोर के, तो सी बराबर फोर के हो जाता, के कैंसिल हो जाता, आंसर हो जाता दो अनुपात तीन अनुपात कितना, चार हो जाता। तो ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे तीन होना चाहिए, यहाँ पे चार होना चाहिए था, ठीक है ना, तब ऐसा आंसर आपका ये आंसर आ जाता, क्लियर है। अब एक बात को समझिए, मान लीजिए ए बाई हम पांच दे, बी बाई सात दे,
सी बाई हम 9 दें, बोले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो मन ही मन इसको के मानिएगा, ए बटा 5 बराबर के, ए बराबर 5 के हो जाएगा, बी बराबर 7 के हो जाएगा, और सी बराबर सी बटा 9 बराबर के, 9 के हो जाएगा, तो ये के कटेगा, 5 7 9 का रेशियो हो जाएगा, 5 7 9 का रेशियो, तो ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे आप लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 21 नंबर, 1683 रुपये एबीसी में वितरित किया जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी में 1683 रुपये डिवाइड करना है, एबीसी में 1683 रुपया को डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करना है, एक का एक बटा दो, एक का एक बटा दो इजकल टू बी का माने गुणा एक बटा तीन, तो बी बटा तीन आएगा, और सी का एक बटा चार, तो सी बाई फोर आ जाएगा, ठीक है ना, आपस में ये बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप डायरेक्ट बता देंगे भाई, दो आ जाएगा, यहाँ तीन आएगा, यहाँ कितना आएगा, चार आ जाएगा। आपसे बोल रहा है कि बी की, आपसे बोल रहा है कि बी की राशि निकालना है, तो बी की राशि निकालना है, दो तीन पांच, पांच चार कितना, नौ। अगर तीनों मिला के देखिएगा, ए दो यूनिट, बी तीन यूनिट, सी चार यूनिट, दो यूनिट तीन पांच यूनिट चार नौ यूनिट, तीनों मिला के 9 यूनिट है, तीनों मिला के 9 यूनिट है, 9 बराबर 1683 है, बताए 9 से जाएगा, 9 एकम 9 बचेगा 7 7 8 78, 9 9 8 72, 78 में 72 गया 6, 9 7 63, 187 यूनिट। तो अगर आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए कि 3 यूनिट का वैल्यू बताइए, बी का हिस्सा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में 187 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21 का एक इकाई अंक एक आएगा, इकाई अंक एक आएगा, 7 3 21 18 54 54 2 54 2 56 हो जाएगा, 561, तो जो आपका आंसर 561 हो जाएगा, आपका आंसर 561 हो जाएगा। और इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई, कैसे इसको करेंगे आप सारे लोग, एकदम मन से पढ़िए, और भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा एकदम हम लोगों को प्रमोट करने के लिए पक्का शेयर करिए, इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बढ़िया टाइपिंग, लेटेस्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर, सब पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का निचोड़ आपको करा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है भाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे बोल रहा है कि 9685 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9685 है। उसके बाद देखिए, पहले भाग ए का 1/4, दूसरे भाग का तिहाई, और तीसरे भाग का 6, ये आपस में बराबर है। आपसे बोल रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे से सॉल्व करें, और सॉल्व करके इसका आंसर जो है ना कमेंट करें, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को पक्का आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्या कर रहे हैं कि नहीं बताइए, और एक बार ये भी आप लोग बताएंगे कि ये सेशन जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो अभी रिकॉर्ड करके क्लास डाल रहे हैं, ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा लग रहा है। और इसमें अगर आपको लगता है कि सर ये चीज और लाइए, ये चीज इम्प्रूव करिए, तो आप लोग जो है ना, आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, आप कमेंट करके आप बताएंगे, हम लोग जो है आपको जो है आपका कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपके लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास मंडे टू फ्राइडे बहुत सारा क्लास होता है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन सैटरडे संडे को हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए, यूट्यूब वाले के लिए, यूट्यूब पे फ्री बैच के लिए कुछ ना कुछ हम इनोवेटिव करते रहे, आपका जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन लाते रहे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है बना ही लीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग बता दीजिए कितना आएगा, 4:3 कितना आएगा, 6, और इसके बाद बना लीजिएगा आप, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तो क्लियर है, आपसे बोल रहा है क्या चीज, पहला भाग निकाले, ऑप्शन से अगर डील किया जाए तो पहला भाग भाग 4 से कटने वाला होगा, पहला भाग 4 से कटने वाला होगा, ये 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक देखते हैं तो ये नहीं कटेगा, 53 भी नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, लगता है कि 2980 आंसर होना चाहिए, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ भी जाएगा। अभी हम ऑप्शन से खेलना सिखा नहीं रहे हैं, हम तो ऑप्शन से खेलने का खिलाड़ी हैं, और आपको भी ऑप्शन से खेलने का खिलाड़ी हम बना देंगे, लेकिन पहले तो आप इस चैप्टर का निचोड़ सीख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम आप लोगों को
कुछ ना कुछ जो होता है सेट करवाएंगे कि हाउ टू प्ले विथ ऑप्शन, हाउ टू प्ले विथ ऑप्शन ऐसे हम एक कराएंगे, उसको कीजिएगा आप लोग। और इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा, होमवर्क में है, ठीक है ना भाई, कर लेना इसको कंप्लीट, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, हो जाएगा आपसे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखना है, तो यहां पे बोल रहा है क्या चीज, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए रेशियो का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है ना, ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, और बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए जितना क्वेश्चन की जरूरत है उससे ज्यादा ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और अगर इस कंटेंट को पूरा अच्छे से आप देख लेते हैं तो रेशियो में एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एकदम अच्छे से आप लोग क्लास करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं आपसे। तो सारे लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। आप लोग बताइए ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। जल्दी से आप लोग बनाइए इसको और बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए देखिए, गौर से देखिए, समझिए इसको, देखिए इसमें क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। 68,000 रुपये को एबीसी में इतना 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 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो रेशियो है इसको आप सही कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, 1/2, 1/4 और यहाँ पे दिया हुआ है 5/16, ठीक है ना। तो हम लोग इस रेशियो को पहले एक अच्छा रेशियो बना ले, और इसके लिए हम लोग गुणा कर देंगे, यहाँ पे 16 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से कटेगा 8 बार में, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 16 जब इसमें गुणा होगा तो 4 से कटेगा तो 4 आएगा, और ये 16 16 कट जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये रेशियो बन गया। अब देखिएगा आप लोग, 8 4 12 12 5 17, यानी कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का, तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर 17 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है कितना, 68,000। 17 चौका 68 1 = 4000 और 1 = 4000 यहां से निकला। तो सबसे बड़े सबसे छोटे भागों का अंतर बताइए, तो क्या निकालना हम लोग को, हम लोगों को निकालना है सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। तो आप ही लोग बताइए, सबसे बड़ा भाग आपका 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 4। अब बताइए 1 = 4000, तो 4 निकालिएगा, गुणे 4000 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16000। तो आपका आंसर 16000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16000 योर आंसर इज डी। तो ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, बनाइए जल्दी, कमेंट करिए, आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए देखिए आप, तो यहां पे क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है देखिएगा भाई, यहां पे क्वेश्चन में दिया है रेशियो 3/4 5/8 दिया है, 7/12 दिया है। आप सबसे पहले इसमें 4 8 12 का एलसीएम, देखिए 4 8 का एलसीएम 8 होगा, और 8 और 12 का एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए 4 का 8 का 12 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा आप ही लोग बताइए, 4 8 12 का एलसीएम 12 हो जाए, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप 24 से गुणा कर लीजिए, तो 24 से गुणा करिए तो 4 से 4 6 24 36 18 8 3 का 24 3 5 15 12 2 9 24 7 2 9 कितना 14, ये रेशियो आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये रेशियो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर यदि
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन है, आप ही लोग बताइए, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, इन दोनों का अंतर कितना है, चार है। चार बराबर 48 दिया है, एक बराबर चार एकम चार, चार दून आठ, एक बराबर 12 हो गया। सबसे बड़ी का मान निकालना है, सबसे बड़ी का मान निकालना है आप लोग को, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी आपका कितना है, 18 है। तो 18 में अगर 12 से गुणा कर दीजिएगा तो 8 दूना 16 6, यानी 216 आंसर शायद आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी में, ठीक है ना। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क है। और देखिए ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को देखिए समझिए और बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए समझिए और आप लोग जल्दी से इसको बनाइए, बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, अच्छा इसके लिए आप याद करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है ना, कि यहाँ पे 4p इजकल टू 6q इजकल टू 9r है। बनाने का बहुत सारा तरीका है, अगर आसानी से बनाना चाहते हैं ना तो आप ऐसे मेथड को यूज कर लीजिए, ढंकलू मेथड, इसको ढंक लीजिए। आ यहाँ पे जो है ना 9 × 6 कर दीजिए, 9 × 6 का कितना होता है 54 लिख दीजिए। अगर क्यू निकालना है तो क्यू को ढक लीजिए, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। अगर आपको आर निकालना है तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आप कटा दीजिएगा, किससे कटेगा 6 से, तो 6 × 9 = 54, 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24, तो यही आपका आ गया। पी क्यू आर का अनुपात 9 × 6 = 9 × 6 = 4, 9 × 6 = 4 आ गया। तो पहला मेथड तो ये है। लेकिन कोई भी चीज को अगर आप समझ के पढ़िएगा, कोई भी चीज को समझ के पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा, ऐसा हो सकता है आप भूल जाइएगा। तो आप एक मेथड और समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम 4p = 2 दे दिया आपको, 6q दे दिए, 9r हम दे दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग को करना क्या है यहाँ पे है, ठीक है, आप लोग को करना क्या है देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे भाई सब लोग। तो करना क्या है, सबसे पहले आप इसको के मान लीजिए, माना कि के, अगर डिटेल में बनाना चाहते हैं तो के मान लीजिए, ओके। उसके बाद देखिए 4p = k करेंगे तो p = क्या आ जाएगा बताइए, p = निकलेगा यहाँ पे, अगर हम 4p = k कर दें, 4p = k कर देंगे तो p = आ जाएगा k/4, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा k/4, क्यू निकाल लीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा k/6, और उसके बाद से अगर आर निकालिएगा तो आ जाएगा k/9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे भाई, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4, अब इसके एलसीएम से आप गुणा कर दीजिए, तो गुणा आप कर दीजिएगा कितना से बताइए, 4, 6 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 36 से 4 से कटेगा ये 9 बार में, ठीक है ना, 6 से कटेगा 6 बार में, और उसके बाद 9 × 4 = 36 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 × 6 = 4, 9 × 6 = 4, ठीक है ना। तो 9 × 6 = 4 आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आ रही है समझ में? बताइए। तो ये डिटेल मेथड हो गया, बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाइएगा, तो बताइए कैसे निकालिएगा आप लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी इजकल टू, ए निकालना है तो 9 × 6 = 54, बी निकालना है तो 9 × 5 = 45, और सी निकालना है तो 6 × 5 = 30। अब कटा दीजिए, आप कटाइएगा इसको 3 से कटाइए, तो 3 से कटेगा 3 × 3 = 24, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। तो 18, 15, 10 आ जाएगा, एकदम दिमाग में रखना इसको, ठीक है ना। इसको देखिए सिंपल है, यहाँ पे 1/x से तो उलाटेंगे तो x मिलेगा, x y z, आ यहाँ 2/1 है, 3/1 है, 4/1 है, इसको उलाटिएगा तो 1/2, 1/3, 1/ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब सब लोग देखेंगे इसमें अगर हम गुणा कर दें, 4, 12 से गुणा कर दे तो 2 से कटेगा 6 बार में, तो 6 आ जाएगा। 3 से कटेगा बताइए, 3 से इस बार 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, तो ये अनुपात निकल गया। अब हमको 6 × 4 = 3, एक्स वाई जेड का अनुपात बताना है, तो 6 × 4 = 3, 6 × 4 = 3 आंसर बी। आइए इसको देखिए आप लोग, देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 5a + 3b डिवाइड बाई, अगर 5a − 3b है, −3b = 3/2 है मान लीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो 10a मिलेगा, प्लस 2 × 3 = 6b मिलेगा, 5 × 3 = 15a मिलेगा,
माइनस तीन तिरीके तीन गुणे तीन करेंगे तो 9b मिलेगा। अब देखिए ना 6b में से 9b आके जुड़ेगा तो 15b हो जाएगा। अब 15a में से 10 से घटेगा तो 10a हो जाएगा। 15 में से 10 गया 5a हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से घटेगा तीन बार में, तो यहाँ b है अपने जगह पर नीचे, या एक काम करिए आप, 5 से घटेगा तीन बार में, तीन अपने जगह पे है बराबर ए बटा बी, यहाँ पे एक लिख दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी बता दीजिए, तो ए अनुपात बी का वैल्यू ए बराबर तीन हो जाएगा, बी बराबर एक हो जाएगा, तो तीन अनुपात एक हो जाएगा, तो तीन अनुपात एक हो जाएगा, तो तीन अनुपात एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है सबको, ये तो बेसिक मेथड हो गया। आप चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि इसमें जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका है, a प्लस बी ए माइनस बी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें इसमें लगा है, एक बार और लगाएंगे तो यहां मिलेगा पांच ए पटा थ्री बी इजकल टू, यहां तीन में दो जोड़ेंगे तो पांच, और तीन में से दो घटाएंगे एक मिलेगा, पांच से पांच कट जाएगा, a बटा बी इजकल टू थ्री बाई वन हो जाएगा। तो एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका था, तो एक बार और लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिएगा आप लोग, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे आप सोचिए कि पांच प्लस चार नौ होगा, पांच प्लस चार कितना होगा, नौ हो जाएगा। पांच में से चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब पांच में चार गुणा करेंगे तो बीस आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, अस्सी दिया है, कितना गुना है, चार गुना, बीस चौका अस्सी, कितना गुना दिया, चार गुना। तो अगर चार गुना दे दिया है तो आप बोल रहे दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है बताइए, ए बी है, तो ए बी बराबर यहाँ पे देखेंगे आप तो ए बी का वैल्यू कितना आया, अस्सी आया है। अस्सी में एक बराबर चार है तो चार से गुणा कर दीजिए, आठ चौका बत्तीस, यानी 320 आंसर हो जाएगा। तो 320 आंसर हो जाएगा। बहुत इस पे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे दे देगा कि ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी रेशियो ए इंटू बी दे दिया। मान लीजिए ये दे दिया आपको, ये दे दिया सात, ये दे दिया एक, और ये दे दिया मान लीजिए 36 दे दिया। तो आप सोचिए चार प्लस तीन बराबर सात होता है, चार में से तीन गया एक होता है, और उसके बाद चार तिहाई कितना, बारह, बारह तिहाई 36 तिगुना है, बारह तिहाई 36 तिगुना है। तो अगर तिगुना है ना, तो अगर आपसे बोला जाए कि ए का मान बताइए तो तिगुना कर देंगे, चार तिहाई 12 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए बी का मान बताइए तो तीन तिरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये समझ रहे हैं आप लोग, तो एकदम बढ़िया से तैयारी करिए, और हर टाइप के क्वेश्चन को ना आप अच्छे से समझते चलिए। मैथ का तैयारी भी एकदम ढंग से करिए, काहे कि मैथ में 25 में 25 आएगा, एकदम आता है, आएगा। रीजनिंग एकदम बढ़िया से पढ़िए, 50 में 50 लाइए, और जीएस तो आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए भाई, जीएस और साइंस मिला के भी कुछ नंबर आपका 50-60 नंबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि रीजनिंग में आप 50 लाते हैं तो 50 में आप सोचिए ना, आप ऐसे स्कोर करने के बारे में सोचिए। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे मैथ में, तो मैथ में मान लीजिए आप 25 में 24 नंबर ला लेते हैं मैथ में, रीजनिंग में मान लीजिए कि 48 ला लेते हैं, और जीएस में मान लीजिए कि आप 60 ला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना नंबर हुआ आपका, 8 4 12 बताइए, 6 4 10 10 2 12 1 13, यानी 132 के रेंज में 132 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैथ में आपको लाना पड़ेगा 24, रीजनिंग में 48, और जीएस में लाना पड़ेगा 60। 132 नंबर आएगा भाई, सिलेक्शन है, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, बताइए क्या नहीं सकता है, बिल्कुल आएगा। देखिए कोई भी चीज अगर करना है ना, तो पहले अपने दिल में ये चीज बैठा लीजिए, पहले निगेटिव सोचिएगा तो भाई नहीं होगा, पहले ही ये सोचिएगा कि मेरा नंबर उतना नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पहले ही आप सोचिए कि ना हम 100% स्कोर करेंगे। और भाई मैथ का तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो आपको चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, जिस दिन पेपर होगा उस दिन या उसके अगला दिन हम आपको YouTube पे लाइव होकर दिखाएंगे कि देखिए हम जो पढ़ाए थे सब क्वेश्चन वहीं से आया है कि उससे बाहर आया है। तो इसलिए हमारा जो भी सीट है ना, उस सीट को बढ़िया से आप लोग एक एक क्वेश्चन बना जाइए, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं, इसको देख लीजिए भाई। देखिए हम आप लोगों के लिए ऐसे बोल नहीं रहे हैं, हम उतना काम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। देखिए आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम आपका क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया,
तो हम सीजीएल सीजीएल 22 का क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के बीच में 10,500 रुपया बांटना है भाई, 10,500 रुपया बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? तो 5:7:9। प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं, अगर प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं, एक बात बताइए आप, तो 5, 7, 12 और 9, 21 हो गया, यानी तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर देखा जाए तो 21 हो गया, 21 = 1050, मतलब 21 = 10,500। 21 से जाएगा ये 5 बार में 500, तो 1 = कितना 500, 1 = 500 तो ये हो जाएगा कितना 100, 2500, 7 = 3500 और 9 = 9×5 = 4500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 4500 हो गया, 500 रुपया अधिक मिले, अगर मान लीजिए यहाँ 500 रुपया अधिक मिल गया, यहाँ भी 500 रुपया अधिक मिल गया, यहाँ भी 500 अधिक मिल गया, तो ये 3000, ये जोड़ेंगे तो 4000 भाई, यहाँ पे 4500 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5000। अब रेशियो बनाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कटा दीजिए, तो बताए 3:4:5, 3:4:5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये चीज क्लियर है आप लोग का, बताइए। अब इसको और आसानी से करना होगा तो हम ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है ना। देखिए हम लोग ऐसे सोच सकते थे कि ए को मिला एबीसी, देखिएगा आप एबीसी को मिला 5, 7, 9, तो 5, 7, 12, 12, 9, 21 आ 21 बराबर दिया हुआ है 10,500, 1 बराबर निकालिएगा तो 500, यानी 500 जो है एक यूनिट है, 501 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं, आप ही लोग बताइए, अगर प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलते हैं इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक को एक यूनिट मिलते हैं अधिक, अरे 500 बराबर एक यूनिट है ना, तो अगर सबको 500 रुपया अधिक मिलेगा तो अगर रेशियो में बात करें, यूनिट में बात करें, तो सबको एक एक यूनिट ज्यादा मिलेगा, तो एक यूनिट इसको ज्यादा, इसको ज्यादा, इसको ज्यादा करिएगा तो 6, 8 और उसके बाद से यहाँ पे मिल जाएगा कितना 10, कटाइएगा तो मिल जाएगा 3:4:5 कितना 5, तो 3, 4, 5 का अनुपात में आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 34 के बाद से यहाँ 61 दिया है, यहाँ पे आपका दिया हुआ 45, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। तो देखिए सोचिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, नहीं हो पाएगा। आप इसको 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर लिखिए, आप ऐसे सोचिए ना, इसको लिखिए 9 + 25, 25 + 34, इसको लिखिए आप 25 + 36, 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 6, इसको बताइए क्या लिखेंगे 36 + 9, 36 + 9 = 45। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बताइए ए का स्क्वायर है, ये है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 है, तो भाई ए का स्क्वायर यहाँ 9 है तो ए का वैल्यू 3 आ गया। बी का स्क्वायर कितना है बताइए, बी का स्क्वायर 25 है यहाँ पे, तो बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, बी स्क्वायर 25 है, सी स्क्वायर 36 है, तो सी स्क्वायर 36 है तो सी का वैल्यू कितना 6 आ गया। अब ये समझ गए, जब आपका ए का वैल्यू निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, तो हमको निकालना है यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ पे निकालना है, देखिए बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी निकालना है और रेशियो सी माइनस ए निकालना है, सी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए बताइए आप लोग, बी माइनस ए 5 में से 3 गया कितना 2 हो गया, सी माइनस बी 6 में से 5 गया कितना 1 हो गया, और सी माइनस ए 6 में से 3 गया कितना आ गया 3 आ गया, तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2:1:3, 2:1:3 बी इज द राइट आंसर। आइए इसको समझते हैं आप लोग, देखिए ये क्वेश्चन CHSL 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ए बी सी डी रेशियो बताइए कितना है 5, 7,
11 और उसके बाद 15 अनुपात में एबीसीडी में बीच वितरित किया जाता है। सी को बी से 2480 रुपया अधिक मिला है, सी को बी से। अच्छा आप ही बताइए, सी को बी से, ये सी को बी से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। आपने बोला 4 ज्यादा, क्वेश्चन में दिया 2480 ज्यादा, तो बताइए एक यूनिट निकालिएगा। 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितना? 620। एक यूनिट 620 आ गया। तो बी और डी के बीच में, बी और डी के शहरों के बीच में अंतर बताइए। बी और डी, आपको बी और डी में अंतर बताना है जी, बी और डी में। तो बी और डी में देखिएगा, बी में और डी में, तो बताइए बी और डी में इसके बीच का अंतर 15 और 7 का अंतर बताइए। बी और डी के बीच का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है, ये अंतर कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। तो एक यूनिट 620, आप ऐसे सोचिए, ठीक है ना, इसके बीच का 4 अंतर है, तो 4 = 2480, तो 8 = 2480 का दुगुना कर दीजिए, 0, 8 × 2 = 16, 24 × 48 49, यानी 4900 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। या एक यूनिट निकाले हैं तो 8 यूनिट के लिए 8 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4960 हो जाएगा, 4960 बी आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सीजीएल मेंस, मेंस का भी क्वेश्चन हम कुछ शामिल कर रखे हैं ताकि आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में क्या आ सकता है, लेटेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है, उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमने दिया है कि कुछ भी इधर उधर करे आपका क्वेश्चन एकदम 25 में 25 बनना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं, देखेंगे भाई। तो ये बिहार एसएससी का क्लास चल रहा है, लेकिन बिहार एसएससी में हम लोग सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन को शामिल कर दिए हैं ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना रहे, ठीक है ना। तो आइए 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा भाई, 35 नंबर, बी सी डी ई। देखिए यहाँ पे ए नहीं दिया है, यहाँ पे ए नहीं दिया, बी से स्टार्ट कर रहा है, बी सी डी और आपका ई है। बताइए यहाँ पे 2:3:4:5 है, उनके वेतन में 20%, 30%, 40%, 50% वृद्धि। इसमें बोल रहा है कि 20% वृद्धि, 30% वृद्धि, इसमें बोल रहा है कि 40% वृद्धि, और इसमें बोल रहा है कि 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन, आप ही लोग बताइए, डी डी डी, तो डी का बढ़ा हुआ वेतन, डी का बढ़ा हुआ वेतन, अभी हम लोग भी पूजा करेंगे थोड़ा सा, ये क्लास से बच्चों के लिए जरूरी था तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डालना है। 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे तो हम लोग भी पूजा करते हैं, तब तक आप लोग प्रसाद वगैरह खाइए, आप लोग कर लिए पूजा। तो चलिए देखिए, तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है भाई, डी का बढ़ा हुआ वेतन बोल रहा है डी का। तो डी में अगर 40% बढ़ाइएगा तो डी का वैल्यू 4 है, 40% का वैल्यू आप सब लोग जानते होंगे, 40% = 2/5 होता है। जिसको नहीं समझ आता है यहाँ कन्वर्ट कर लेना भाई, परसेंट हटाइएगा आप लोग तो 40/100 आएगा, 20 से कटाएंगे 2 बार में, 20 से कटाएंगे 5 बार में, तो 2/5, और इसका मतलब है कि 5 पे 2 बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद 7/5 हो जाएगा। अगर 40% बढ़ेगा तो 4 × 7/5 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए इसका वैल्यू 560 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 560। अब देखना है आप लोगों को, 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 56, 20, एक यूनिट निकालेंगे तो 5 × 20 से करेंगे 100 आ जाएगा, एक यूनिट 100 निकल गया। तो भाई मेरे 1 यूनिट = 100 निकला, क्या समझ रहे हैं आप लोग, 1 यूनिट = 100 निकला। उसके बाद देखिएगा, तो बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग बताइए, योग निकालना आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग को क्या निकालना है? योग निकालना है। तो मूल वेतन का योग निकालना है बी सी डी चारों का, तो चारों का मूल वेतन जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 4 कितना? 9, 9, 5 कितना? 14 यूनिट, यानी सबका योग जो होगा, जो योग होगा ना, वो 14 यूनिट होगा। और आप लोग बताइए, 1 यूनिट 100 है तो 14 यूनिट में 100 से अगर गुणा कर देंगे तो आप लोग का आंसर बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 1400, तो आंसर हो जाएगा 1400, यानी डी इज द राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल, गुणनफल यहाँ पे दिया 240। यदि दोनों संख्या का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्या का अनुपात 3:5 है, तो भाई पहला संख्या 3x, अगला 5x मान सकते हैं। पहला अगर 3x मानेंगे तो अगला क्या मानेंगे? 5x मानेंगे। ये बात आ रही है समझ में? अब इसके बाद देखेंगे, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ पे गुणनफल की बात हो रही है, तो अगर गुणनफल की बात हो रही है तो 5 × 15
इंटू एक्स, एक्स का गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये जो गुणनफल है आप समझ रहे हैं, ये जो गुणनफल है ये 240 यूनिट है। बताइए कितना यूनिट है, 240 यूनिट। अब 15 से कटेगा, 15 एक कम 15 बचेगा, यहाँ पे 5 4 9 0, 15 6 90, एक्स बराबर निकल गया 4, एक्स का वैल्यू कितना निकला 4, और एक्स बराबर दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्या का योग बताइए 8x, 8x बराबर बताइए 8 गुणे कितना 4, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऐसे भी एक क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का योग निकालिए, तो योग जो है 8 से कटने वाला होना चाहिए, अगर ऑप्शन से बनाना होता तो 8 से कटने वाला ये नहीं है, 8 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, तो भी मेरा आंसर सही दिख रहा था। क्या ये समझ में आ रहा है, चलिए आइए समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया राम का, राम का दिया 7, रहीम का दिया कितना 8, राम का 7 रहीम का 8, यदि रहीम की ऊंचाई, अच्छा देखिए रहीम की ऊंचाई 66 है, यानी इसकी ऊंचाई 66 है, तो आपसे बोल रहा है कि राम की ऊंचाई, राम की ऊंचाई यानी राम का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 का वैल्यू 66 है तो 7 का वैल्यू 66 से कम होगा, 66 से कम होगा, 66 से कम होगा, ये 66 से ज्यादा है तो कैंसिल। अब एक बात समझिए, अगर 8 से 7 देखा जाए तो एक कम है, एक यूनिट कम है 8 पे 12.5%, 12.5% कम करिएगा तो इतना कम नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन एक और एक बार और हम करवाए थे, उसमें डिटेल सॉल्यूशन बताए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो में शुरुआत में ये क्वेश्चन आया था, रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखिए यहाँ पे दो बालिक और दो बच्चे, यानी यहाँ पे दो बालिक हैं, ठीक है ना, दो बालिक है यहाँ पे, और उसके बाद से दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं भाई, ठीक है ना, दो बच्चे हैं के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। अच्छा टोटल टिकट की कीमत कितना रुपया है, 24 रुपया है। यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिक के टिकट मूल्य से आधा है, यानी कि मूल्य की बात किया जाए, अगर टिकट के मूल्य की बात किया जाए तो क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, एक बच्चे का टिकट, एक बच्चे का टिकट, आप ही लोग बताइए बच्चों का टिकट कम ही तो लगता है, तो बच्चे का टिकट बालिक के टिकट के मूल्य से आधा है, यानी बालिक का टिकट अगर हम 2 मानेंगे तो बच्चों का कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो एक बालिक अगर जाएगा देखने, शो देखने जाएगा, संग्रहालय देखने जाएगा तो 2 रुपया लगेगा, 2 बालिक जाएगा तो 4 लगेगा। यहाँ पे देखिए एक बच्चा जाएगा तो 1 लगेगा, 2 बच्चा जाएगा 2 लगेगा, कुल मिला के बताइए कितना लगा, 6 रुपया। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि टिकटों की कीमत 24 रुपया है, इन सबकी टिकट की कीमत 24 है, 6 बराबर 24, 1 बराबर कितना 4। इसमें लिखा है दो बालिक दो बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 है, ये जो 24 दिया है ना वो अकेले नहीं दिया है, दोनों बालिक का और दोनों बच्चों का टिकट का मूल्य है। तो आप बताइए एक का मूल्य, एक बालिक का मूल्य 2 तो 2 बालिक का मूल्य 4, एक बच्चे का मूल्य 1 तो 2 का 2, 4 2 कितना 6 6 बराबर 24, 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर 4। बालिक के टिकट का मूल्य क्या है, बालिक, तो बालिक के टिकट का मूल्य कितना माने है 2, तो आप ही बताइए 1 बराबर 4 आ गया, तो यहाँ 2 बराबर 2 गुणे 4 करेंगे तो आपका जो आंसर होगा ये आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। इसमें देखिए क्या लिख रहा है कि 32 लड़कियां हैं, लड़किए एवं लड़कों की, लड़कों का अनुपात देखेंगे, लड़की माने गर्ल, लड़की माने गर्ल और लड़कों का मतलब क्या चीज, बॉय, लड़की और लड़का। तो यहाँ पे भाई दिया है 16:9 दिया हुआ है, ठीक है ना, 16:9 दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए कक्षा में कितनी फीसदी, फीसदी माने परसेंट होता है, तो फीसदी का मतलब क्या होता है, परसेंट हो जाए, लड़कियां हैं, कितनी फीसदी लड़कियां हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं। देखिए भाई सिलेक्शन के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है, जो आप लोग वीडियो को जो देखते हैं ना, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, लापरवाही करते हैं, तो भाई पहले स्टेबल हो के देखिए, अच्छे से पढ़िए, 2 अढ़ाई महीना के बाद से आपका प्री का एग्जाम होने वाला है, प्री का एग्जाम 26 नवंबर को है। अब आप ही सोचिए 26 नवंबर तक अगर अभी से आप चाहिएगा तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 26 नवंबर तक अगर आप अच्छे से मेहनत करिएगा ना तो भाई तीनों सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा रीजनिंग और पूरा का पूरा जीएस, तीनों को एकदम बढ़िया से ना निचोड़ डालिएगा, और अगर निचोड़ करके 60-70 दिन अच्छे से तैयारी करके आप जाइएगा, आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन आपको
सफल होने से आपका अपना दिमाग ही आपको रोकेगा, दिमाग में तरह तरह का कंफ्यूजन आएगा, कभी जो है इधर उधर दिमाग जाएगा, कभी मैसेज आएगा, कभी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, कभी ये काम वो काम, इसमें इन्वॉल्व होके आप अपने लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग एकदम 70 दिन, 60 से 70 दिन जो है ना, एकदम अच्छे से 100% मेहनत कीजिए और एकदम कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए हमको बस पढ़ना है तो पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि 70 दिन में तो भाई ऐसा थोड़ी है, 70 दिन में आप कमजोर थोड़ी है, 70 दिन में तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बिहार SSC का एग्जाम, अच्छे से बस पढ़ना होता है। तो बताइए यहाँ पे, चूंकि परसेंटेज निकालना है गर्ल्स का, ठीक है ना, आप लोगों को परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है भाई, गर्ल्स का परसेंटेज, तो आप बताइए गर्ल्स कितनी है भाई, तो 16 यूनिट, गर्ल्स कितनी है 16 यूनिट, और टोटल कितना बताइए, टोटल 16 लड़की 9 लड़का, 16 9 25, यानी 25 में 16 लड़की है, परसेंट में बदलना है 100 से गुणा, 25 से जाएगा 4 बार में, 16 चौका कितना 64%। देखिए कहीं भी अगर आपसे बोला जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहीं भी बोला जाए, आप लोगों से कहीं बोला जाए कि भाई 3:2 में मान लीजिए कि बॉय है और गर्ल है, गर्ल है, अगर आपसे बोला जाए कि परसेंटेज ऑफ बॉय बताइए, तो हम क्या करेंगे, बॉय को ऊपर ले लेंगे, 3 लड़के हैं टोटल कितने में से, तो टोटल 5 में से, 5 में 3 लड़के हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए, 5 से 20 बार में ले जाइएगा, 20 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अरे बात आ रहा कि नहीं समझ में, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए कहीं ऐसे दे दिया जाए कि बॉय बॉय और गर्ल ऐसे दे दे कि बॉय और जो गर्ल है वो मान लीजिए दे दिया कि 7:3 में है और परसेंटेज ऑफ गर्ल पूछे, तो क्या करेंगे बताइए, 3 लड़कियां हैं टोटल कितना में 10 में, 3/10 गुणे कितना करेंगे 100, तो कट जाएगा 10 बार में, बताइए कितना परसेंट आंसर, 30% आंसर। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे लड़कियों और लड़कों का अनुपात, गर्ल रेशियो बॉय, यहाँ पे 16:9 अगर दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि लड़कियों का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ गर्ल, तो आप ही लोग बताइए लड़की कितनी है भाई, तो 16 यूनिट, भाई लड़की 16 यूनिट है, अरे है कि नहीं है, तो लड़की 16 यूनिट है, और टोटल 16:9 कितना है जी 25 है, और गुणे कितना बताइए 100 है, 25 से जाएगा 4 बार में, 16 चौका 64%, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 64%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग और नॉट, तो ऐसे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। आइए समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिख रहा है भाई, 8200 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ABC 3 लोग है, इन तीनों लोगों में आपको 8200 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों लोगों में 8200 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है। A को B से 500 रुपया अधिक मिलता है, B से, तो इसका वैल्यू X, तो इसका X प्लस 500। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, A को B से 500 रुपया अधिक मिलता है, अरे A को B से 500 ज्यादा, और ये जो C है ना C, इसको A से 300 रुपया ज्यादा, यानी जो C है ये C, इसको A से भी 300 ज्यादा, यानी A को तो B से 500 ज्यादा, इससे 300 ज्यादा, तो इससे X प्लस 500 ऑलरेडी है, और इसमें अगर हम 300 बढ़ा देंगे, आप ही बताइए, अगर 300 बढ़ा देंगे तो X प्लस कितना हो जाएगा 800, X प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है ना। C का हिस्सा निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ C, आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ C निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो बताइए तीनों को जोड़ दीजिए, अगर तीनों को जोड़िएगा तो बताइए एक्स 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 कितना हो गया 3x, 500 800 1300 होता है, 8200 यहाँ पे दिया हुआ है, 3x निकालेंगे, 00 से 00 माइनस करेंगे, बताइए 12 में से 3 गया कितना 9, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से गया 6 आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में 3 बार में 2300, x का वैल्यू 2300। आपसे बोल रहा है कि C का हिस्सा निकालिए, C का हिस्सा, तो C का जो हिस्सा है ना वो ये वाला हिस्सा है, बताइए तो C का हिस्सा C बराबर X प्लस 800, और X प्लस 800 अगर करेंगे आप लोग तो 2300, और 2300 में अगर 800 जोड़ देंगे तो 800 जोड़ देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3100, यानी आ जाएगा आपका 3100, तो आंसर 3100 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से कर सकते हैं भाई, कहीं भी मान लीजिए ऐसा लिखा जाए कि 3 लोग हैं ABC
और एबीसी में आपको 8200 रुपया बांटना है, एबीसी में 8200 बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि ए को बी से 500 ज्यादा और सी को ए से 300 ज्यादा। इसका मतलब है इसको इससे 500 ज्यादा और इससे भी इसको 300 ज्यादा, यानी 500 प्लस 300 800 ज्यादा। तो देखिए, कोई भी एक ईमानदार आदमी, शरीफ आदमी, इनोसेंट आदमी जैसे कि हम हैं, अगर अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे बताइए? हम लोग क्या करेंगे? आप ही जैसे ईमानदार है मान लीजिए, और कोई एकदम कह रहा है कि हमको 500 ज्यादा चाहिए, नहीं तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप क्या करिएगा? तुम एक काम करो भाई साहब, 500 पहले तुम ले लो, आप उसको दे के उसको शांत कर दीजिए। ये बोला कि हमको इससे भी 300 ज्यादा चाहिए, तो इसको भी 800 रुपया दे दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी तक आप 500, 800, 1300 रुपया दे चुके हैं। आपके पास 8200 रुपया था, उसमें 1300 दे दिए हैं, आपके पास बचा कितना? 69। अब कहिएगा कि इसको जितना ज्यादा चाहिए वो दे चुके हैं, इसको जितना ज्यादा चाहिए वो भी दे चुके हैं, अब ये जो राशि बचा हुआ है ना, उसमें 3 से भाग देकर 3 × 6 = 9, यानी 2300 रुपया। यानी अब क्या कीजिएगा, तीनों को बराबर बराबर बांट दीजिएगा, यानी इसको 2300 दे दीजिएगा, इसको भी और 2300 दे दीजिएगा, इसको भी अब 2300 दे दीजिएगा, ठीक है ना? तो बताइए 2300 में 800 जोड़ देंगे कितना? 3100। तो आपका आंसर 3100 हो जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या में, क्या लिख रहा क्वेश्चन, किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या में एक अन्य संख्या का, एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या x में, यदि किसी संख्या x में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, एक अन्य संख्या y का 20% माने 1/5 अगर हम जोड़ दें, यदि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का 20% 1/5 जोड़ दें, तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, यानी जो x है ना 50% बढ़ जाती है, 50% का मतलब 1/2 बढ़ जाती है, 2 पे 1 बढ़ जाती है, यानी 3/2 हो जाती है, ठीक है ना? उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, आपको x अनुपात y निकालना है, देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस x को उधर भेजिए, तो ये y by 5 अपने जगह पे है, ये x को उधर भेजिएगा तो 3x by 2 minus x हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2x, 3x में से 2x गया, x by 2 हो जाएगा। अब देखिए y के जगह पे नीचे में x ला दीजिए, y by x, इस 5 को ऊपर भेजिए तो 5/2 उलाट दीजिए, तो बताइए x बटा y बराबर 2/2 कितना हो जाएगा? 5। तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 2/5 x y का अनुपात बताइए, उन संख्याओं का अनुपात। सुनिए, तो सबसे पहले तो एक बात समझिए, ये ऑप्शन दे रहा है कि पता नहीं लगाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल पता लग गया है कि x अनुपात y क्या है, ये तो पता लग ही गया है। y अपने जगह पे, x नीचे, तो 5/2 उलाट देंगे तो 2/5। अब x बटा y का अनुपात 2/5 आया है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। अगर 2/5 रेशियो में होता, अगर ऑप्शन में 2/5 होता तो वो मारते, 2/5 होता तो वो मारते, लेकिन यहाँ पे 2/5 नहीं है, तो इसका उल्टा यहाँ पे दिया है। चूंकि यहाँ पे क्रम क्लियर नहीं है, इसलिए 2/5 अगर ऑप्शन में न रहे तो हम 5/2 बिल्कुल मार सकते हैं, आंसर 5/2 है। और पता नहीं लगाया जा सकता, भाई बिल्कुल पता चल गया है कि रेशियो क्या है, ये अलग है, हाँ ये अलग है कि ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन पता तो चल ही गया है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। अब इसको देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 42, सारे लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है। आप ही लोग बताइए कि गांव की जनसंख्या 6000 है, आई इसमें बोल रहा है क्या चीज, ठीक है ना? 30% महिलाएं अशिक्षित है, जिसमें पुरुष और मेल का अनुपात, इसमें बोल रहा है कि मेल और फीमेल का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3, 1/2 अनुपात 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 हो गया, 2 × 2 हो गया। तो बताइएगा यहाँ पे मेल और फीमेल की बात किया जाए तो 3 अनुपात कितना है? 2 है। गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, मेल फीमेल का अनुपात इतना इतना है, तो 3 × 2 = 5, 5 = 6000,
एक बराबर 1200, 12 पच्चीस 60, 1200, 3 बराबर 3600, यानी 3600 मेल और 2400 फीमेल है, 2400 फीमेल है। क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 30% महिलाएं अनएजुकेटेड है, और क्वेश्चन बोल रहा है कुल और शिक्षित महिला की संख्या बताइए। तो भाई महिला तो इतनी है, लेकिन महिला में अनएजुकेटेड, 30% महिला एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है 30%। तो इसका 30% अशिक्षित है, 30% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो निकालेंगे तो बताइए 2400 गुणे 30 बटा कितना 100, सॉल्व करिए तो बताइए कितना होगा, 24 तिया 72, 0 एगो आएगा तो 720, यानी 720 महिला अशिक्षित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 720 हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है क्या आप लोग का? अब देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन क्या है, आप प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये सारा चीज का पूरा निचोड़ हम आप लोगों को बताएंगे। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। देखिए समानुपात, समानुपात बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समानुपात का क्वेश्चन है भाई, ये समानुपात का क्वेश्चन है, इसके बाद ये भी समानुपात है, तो समानुपात का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग पहले समानुपात का थ्योरी देख लिया जाए, ठीक है ना? तो थ्योरी देख लिया जाए समानुपात का। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए समानुपात क्या होता है जी, समानुपात क्या होता है सब लोग देखेंगे भाई। समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए दो अनुपात है, ए अनुपात बी है, यहाँ पे सी अनुपात डी है, अगर इसको तोड़ा जाए, अगर इसको आप तोड़िएगा तो इसका मतलब है सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात इसका मतलब है, यानी अनुपात सम हो जाए, सम माने क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दो अनुपात अगर बराबर हो जाए, तो अगर दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, भाई a बाई बी बराबर सी बाई डी, तो इसका इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा, तो a इंटू डी बराबर बी सी, ए इंटू डी बराबर बी सी हो गया, a इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, a इंटू डी बराबर बी सी हो गया। तो यानी फर्स्ट का गुणा लास्ट से कर देना है, अब बीच का गुणा बीच से कर देना है, यही थ्योरी होता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि समानुपात, देखिए समानुपात में ए बी सी डी है, यहाँ पे बराबर होता है, यहाँ पे बराबर होता है, और बराबर को ही हम डबल डॉट दे देते हैं, मतलब ऐसा हम कर देते हैं, ये बराबर है, और इसको हम समानुपात कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। बात आ रही समझ में? अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, मिड प्रो, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म, फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समानुपात में कितना टर्म होता है, तो आंसर क्या होगा, चार टर्म। पहला टर्म है फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, प्रथम अनुपातिक पद, द्वितीय अनुपातिक पद, सेकंड प्रोपोर्शनल टर्म, तृतीय अनुपातिक पद, चतुर्थ अनुपातिक पद। तो कितने पद होते हैं, चार पद होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या करेगा, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या करेगा ना, कि ये ए दे देगा, एक्स दे देगा, और यहाँ बी दे देगा, ऐसे दे देगा, तीन ही पद देगा, तो ध्यान में रखिएगा कि बीच वाला सेम हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको मिडिल, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इसको बोलेंगे सेकंड बोलेंगे, नहीं फर्स्ट मिडिल, और इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड बोलेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। अब कुछ कुछ थ्योरम पढ़ना है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा, ए बी का मिड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछ देगा, मध्य अनुपाती पद, अनुपातिक पद, तो
तो मध्य अनुपातिक पद अगर आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा बताइए, ठीक है ना। ए और बी इसके मध्य में एक्स मान लीजिए, तो अभी तक तीन पद हुआ जबकि प्रोपोर्शनल में चार टर्म होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाला टर्म बराबर हो सकता है, जब कभी भी दो टर्म देगा एक मानेंगे तो तीन होगा तो बीच वाला बराबर कर लेंगे। मध्य अनुपातिक पद निकालना है तो मध्य वाला ये मान लिया हम लोग, ये दोनों बराबर हो सकता है। अभी आप समझे कि बीच का गुणा बीस से एक्स स्क्वायर, ए का गुणा बीस से करेंगे ए बी, तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा, एक्स बराबर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बोल देगा कि प्रथम अनुपातिक पद निकालिए, प्रथम आपसे बोल देगा कि प्रथम अनुपातिक पद निकालिए, प्रथम अनुपातिक पद, तो प्रथम अनुपातिक पद निकालिएगा ए बी का, तो यहाँ प्रथम में एक्स मानिएगा और ए बी का एक्स मानेंगे। बीच वाला हम बताए कि सेम हो सकता है, बीच वाला ये वाला सेम आप कर लीजिएगा, तो बताइए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इंटू एक्स बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर निकालिएगा तो ए स्क्वायर बटा बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसके बाद यहाँ पे देखिए तृतीय अनुपाती पद हम लिख रहे हैं, तृतीय अनुपातिक पद, तो तृतीय अनुपातिक पद में मान लीजिए ए बी का तृतीय, तृतीय में एक्स मान लीजिए, माना कि पहला ये है दूसरा ये तृतीय है, हमेशा बीच वाला सेम होता है, तब बीच वाला सेम बना लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, अगर आप यहां से एक्स निकालिएगा तो बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। बात आ रहा समझ में? तो एक्स बराबर रूट ए बी, एक्स बराबर ए स्क्वायर बाई बी, एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, तृतीय के बाद यहाँ पे चतुर्थ अनुपातिक पद हम लिख रहे हैं, चतुर्थ, चतुर्थ में कभी कभी चतुर्थ में तीन पद दे देगा, ए बी सी आपको दे देगा, अब बोलेगा कि चतुर्थ निकालिए, चतुर्थ अनुपातिक निकालिए, तो आपका चतुर्थ में एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब बताइए बी सी हो जाएगा यहाँ पे आपका ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी सी, एक्स निकालेंगे तो बी सी बाई ए हो जाएगा। तो यही चार चतुर्थ अनुपातिक पद है आपका, एक बार याद करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, तो याद करते हैं इस पेज पर देखिएगा आप लोग, अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, फर्स्ट प्रोपोर्शनल अगर पूछा जाएगा तो ए स्क्वायर बाई बी होगा, याद कीजिए फर्स्ट में ए ऊपर होता है, फर्स्ट में ए ऊपर होता है ए स्क्वायर बी होता है, मिडिल उसके बाद पूछा जाएगा तो मिडिल का फॉर्मूला रूट ए भी होता है मिडिल, अगर आपको तृतीय पूछा जाएगा थर्ड पूछा जाएगा तो थर्ड में इसका उल्टा होता है, यानी कि थर्ड में बी स्क्वायर ऊपर आ ए नीचे होता है, बी स्क्वायर ऊपर ए नीचे होता है, तो फर्स्ट में ए पहले आता है ए ऊपर ए स्क्वायर बाई बी और थर्ड में बी स्क्वायर बाई ए होता है, इसमें ए स्क्वायर बाई बी, इसमें बी स्क्वायर बाई, और फोर्थ में क्या होता है बी सी बाई ए हो जाता है, फोर्थ निकालिएगा तो बी सी बाई ए हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, देखिए क्या होगा इसका आंसर बताइए, तो बताइए इससे एक्स मान लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स एक्स, नौ चौका छत्तीस, छह से जाएगा छह बार में, एक्स बराबर छह, एक्स बराबर छह आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखेंगे भाई, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपाती चौबीस है, तो मान लीजिए कि दो संख्या ए इंटू बी है, ए बी है, तो इसका मध्य अनुपाती ए बी होता है, अभी तो आप पढ़े कि मध्य अनुपाती क्या होता है ए बी, तो ए बी बराबर कितना है चौबीस है, तो ए इंटू बी करिएगा तो चौबीस का स्क्वायर पांच सौ छिहत्तर है, तृतीय अनुपाती पंद्रह सौ छत्तीस है, तृतीय अनुपाती क्या होता है बताइए, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए होता है, प्रथम अनुपाती ए स्क्वायर बाई बी, मिडिल प्रोपोर्शनल रूट ए बी, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए और चतुर्थ अनुपाती बी सी बाई ए, तो यही सब होता है, ठीक है ना। तो तृतीय अनुपाती का वैल्यू 1500 कितना है बताइए, 36 है, 1536 है। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं, ये पहला ऑप्शन है आपका और ये दूसरा इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 24 का स्क्वायर बटा 24 करेंगे तो 24 से 24 कटेगा 24 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, कैंसिल। ये देख लीजिए इन दोनों को गुणा करने पर 576 आना चाहिए, तो गुणा करिए 6 छक्का 36, 9 छक्का 54 और 54 3 57, तो गुणा करने पर 576 आ गया है। यहाँ पे करिएगा तो 96 स्क्वायर और बटा में ए,
ए का वैल्यू कितना है बोलिए, 6 है, तो 96 स्क्वायर जो होगा ना, थोड़ा सॉल्व करके देख लिया जाए, तो भाई 96 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे देखेंगे जी, तो 96 स्क्वायर होता है 96 गुणे 96 हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 कम 6 3, 6 6 36 16, 16 6 96, हाथ में बचा कितना 9, और 16 नवा 144, 144 में 6 जोड़ेंगे 150, 3 जोड़ 153, तो ये 1536 आ गया। तो देखिए 6 गुणे 96 को मल्टीप्लाई किए तो 576 आ गया, 576 आ गया, 6 96 को मल्टीप्लाई करने पे 576, और 96 का स्क्वायर बटा 6 करने पे 1536 आ गया, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए इसको देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे कि 4 और 9 का मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती ए बी होता है रूट ए बी, तो बताइए क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, 4 गुणे 9 4 × 9 2 गुणे 3 आपका 6 हो जाएगा। अब आप इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चतुर्थ अनुपाती पद निकालिए, चतुर्थ में इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 × 5 = 40, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ये कटेगा कितना आंसर आ जाएगा 20 आंसर। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है बीसी बाई ए होता है, मान लीजिए आप भूल गए फॉर्मूला, तो 2, 5, 8 चतुर्थ को x मान लीजिएगा, आप जानते हैं कि बीच का 20 से गुणा करेंगे 40 आएगा, यहाँ करेंगे 2x आएगा, तो 2x बराबर 40, x बराबर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो आपका 20 आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन को, तृतीय अनुपाती, मान लीजिए यहाँ बोल रहा है तृतीय अनुपाती निकालिए, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है ना, प्रथम अनुपाती ए स्क्वायर बाई बी, मिडिल होता है रूट ए बी, तृतीय होता है बी स्क्वायर बाई ए, और चतुर्थ होता है बी सी बाई ए होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 54 × 54 आ जाएगा, अब बटा में यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 27 बार में, 27 का 9 से गुणा करना है, तो बताइए 300, ये 243 आ जाएगा, तो आपका आंसर 243 आ जाएगा। मान लीजिए आप भूल गए, तो 12 का 54 का तृतीय अनुपाती पद, ये प्रथम है ये द्वितीय है, तृतीय के जगह पे x मान लीजिए, तृतीय निकालना है, x मान लिया, हम जानते हैं कि बीच वाला दोनों सेम होता है, तो इन दोनों का गुणा करिए 54 × 54, और ये बताइए कितना हो जाएगा 12x, तो 12x बराबर इतना, x का वैल्यू निकालिएगा तो 54 × 54 और बटा में कितना हो जाएगा 12, सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं, 47 के बाद से अगर 48 अगर आप देखेंगे तो 48 बताइए कैसे बनेगा, प्रथम अनुपाती पद ए स्क्वायर बटा बी होता है, ठीक है ना, तो बताए 2 का स्क्वायर 4 बटा में 3, 4/3 आंसर बी आंसर होता है। भूल गए, तो मान लीजिए 2, 3 का आपको प्रथम निकालना है, तो प्रथम में x मान लीजिए, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, अब हम जानते हैं कि बीच वाला सेम हो सकता है, तो बीच में हम सेम कर देंगे, तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे 3x बराबर क्या मिलेगा 2 × 2 = 4, x बराबर कितना मिलेगा 4/3, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनाएंगे, 49 नंबर समझना है भाई, 49 बोल रहा है कि 12 18 6 का चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो 18 में हम 6 से गुणा करेंगे BC, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है BC बाई A, ठीक है ना, मान लीजिए ABC का X का चतुर्थ निकालना, ये निकालना है, तो BC बाई AX बराबर BC, AX बराबर क्या चीज BC, तो यहाँ से X निकालिएगा तो हो जाएगा BC बाई A हो जाएगा, तो BC बाई A हो जाएगा, ठीक है ना, A का वैल्यू 12 है, 6 से कटेगा 2 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, तो 9 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 12 18 6 का चतुर्थ अनुपाती, ठीक है ना, तो चतुर्थ अनुपाती 9 आ गया। देखेंगे यहाँ पे फिर से समझिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 18 6 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती के लिए हम इन दोनों को गुणा करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे BC बाई A, तो बताइए 18 × 6 / 12 = k और 6 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना, k और 6 का तृतीय अनुपाती, तो बताइए क्या हो जाएगा k स्क्वायर तो बी, ये ए है ये बी है, तो 6 स्क्वायर और बटा में k, आपस में ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, अब देखना बाबू 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 से जाएगा ये 3 बार में, 3 से जाएगा 4 बार में, तो आपका k बराबर कितना निकला 4, तो k बराबर 4 आंसर है। आइए इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पे कि इस दोनों का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात रूट ए बी होता है,
रूट ए भी होता है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप लोग, 1.8 इंटू 3.2 लिखेंगे इक्वल टू। उसके बाद देखिएगा आप लोग, 5 और 3 के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर बाई ए, बी सेकेंड वाला, तो तीन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए 5, दोनों के बीच का अंतर, अंतर माने माइनस, ठीक है ना, तो अंतर माने माइनस निकालना है, यही है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 18 × 32 बटा में 10 लिख सकते हैं बताइए, इसको माइनस में लिखेंगे 3² 9 9/5 लिख सकते हैं बताइए, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 9 3 दो दे देंगे तो 64 का वर्गमूल कितना 8 बटा में 10 × 10 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 9/5 5 से भाग लगाइए, 5 × 5 = 5 4/5.8 आ जाएगा, 8 × 3 = 24 24 में 10 से भाग लगेगा 2.4 माइनस 1.8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा, तो 0.6 आंसर। आइए इसको देखिएगा अब आप लोग, ठीक है ना, देखिए इसमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, यहाँ लिख रहा है कि 12 का 6 का 6 का चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो भाई BC/A होता है यानी 16 × 6 16 × 6 / 12 होता है, ठीक है ना, 4 और 6 का तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो 4 और 6 में बी का वैल्यू 6 है, तो 6² बटा में कितना 4 के मध्य अनुपात ज्ञात करें, अनुपात माने रेशियो निकालना है, इन दोनों के बीच में रेशियो, तो 6 से 6 जाएगा, ओके 4 से जाएगा 4 × 12 ठीक है। अब बताइए यहाँ 2 से घटाइए 3 बार में 2 से घटाइए 8 बार में तो यहाँ बचा 8/3 / 3 सॉल्व करेंगे तो 8 अनुपात कितना 9 तो आपका 8/9 आंसर, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सारे लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52, 6 और 1 अन्य संख्या के बीच का मध्य अनुपात 30 है, तो 6 और 1 संख्या मध्य अनुपात माना कि 6 है, इन दोनों के बीच मध्य अनुपात बताइए 30 है, सॉल्व करिएगा तो 6x = 900 900 हो जाएगा, 6 से जाएगा 150 बार में x = 150 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर तिरपन क्या बताइए, 3 × 9 का 3rd अनुपात 3 और 9 का 3rd अनुपात पी है, ठीक है ना, पी है, तो पी बराबर हम निकाल सकते हैं, 3rd अनुपात है तो बी स्क्वायर बाई ये होता है, और आप बताए बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर 81 / 3 करेंगे तो इसका वैल्यू 27 आ जाएगा, इसका वैल्यू 27 यानी पी का वैल्यू 27 है। अब इसके बाद देखिएगा इसका 4th अनुपात निकालिए, तो 4th अनुपात क्या होता है बताइए, BC/A, तो B का वैल्यू यहाँ पे P है, तो BC/A, तो B का वैल्यू P है, P निकाले 27 × 4 / 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में 3 से कटेगा 9 बार में 9 × 9 = 18 18 आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे अब आप, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे तेजी में, ध्यान दीजिएगा 54 नंबर, तृतीय अनुपात पी है, तो पी का वैल्यू निकालेंगे तो 20 स्क्वायर 20 × 20 20 स्क्वायर 8 हो जाएगा, तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बाई ये होता है, ठीक है ना, तो बताइए 4 से कटेगा 2 बार में 4 से कटेगा 5 बार में 2 से कटेगा 10 बार में 10 × 5 = 50 आ गया, 3 × 5 = 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो बताइए इन दोनों का गुणा इन दोनों के साथ, तो बताइए अब क्या करेंगे आप, 3Q बराबर कर देंगे 24 × 5 = 120 कर देंगे, 3 से जाएगा 40 बार में तो Q बराबर कितना आ गया 40 आ गया, Q बराबर 40। अब बोल रहा है कि 2P + Q निकालिए, तो 2P + Q निकालना आप लोग को, तो भाई P का वैल्यू 50 है 50 × 100 हो गया प्लस Q का वैल्यू 40 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 140 यानी आंसर 140 हो गया। अब आप इसको देखेंगे भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर माने बिहार सचिवालय के लिए जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब चीजों का एक गागर में सागर बोला जाता है ना वो हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप लोग को पढ़ने में भले बोरिंग हो रहा होगा लेकिन यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाने वाला है, बस आप विश्वास के साथ पढ़े रहिए, ठीक है ना, अब पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइएगा, सिलेक्शन होना ही है। देखिए यहाँ पे चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती बताइए क्या होता है, जैसे ए बी सी है मान लीजिए यहाँ एक्स है, चतुर्थानुपाती क्या होता है बताइए, ए एक्स इक्वल टू बी सी, बताइए एक्स बराबर क्या होता है बी सी बाई ए। अभी हम कितना बार फॉर्मूला रटवाएं आपको, आप दिमाग में रखिए ना भाई, चतुर्थानुपाती बी सी बाई ए होता है, ठीक है ना,
इन दोनों को गुणा करना है, 168 into 150 और डिवाइड बाई 1/72 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे भाई क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो बीच का गुणा 20 से नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये 72 ऊपर चला गया। उसके बाद बताइए 168 into 150, कट सकता है तो कटाइए आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कटाते हैं 6 से 6 कम 6, 6 दुना 12, 6 का 6 दुना 12, 6 दुना 12, 3 6 5 30 हो गया 25। अब 12 से कटेगा क्या, देखिए 12 कम 12 बचेगा 4, तो 12 एकम 12 बचेगा 4, 4 पाए 8, 12 दुना 4, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा आपका 1/25 चौका 100, 25 एकम 25 अब 25 दस 35, 35 350, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला टाइप यहां से स्टार्ट होगा, अगला टाइप, ठीक है ना, चलिए ओके। तो यहां से चलिए हम लोग एक नए टाइप की शुरुआत करते हैं। तो यहां से जो अगला टाइप हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, 56 नंबर, देखिएगा ये क्या है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये टाइप हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 रुपया 2 रुपया और उसके बाद लिखा हुआ 1 रुपया, ठीक है ना। 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है ना, क्वाइंस की जो संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है। यदि थैले में कुल 230 रुपया है, जैसे एक थैला है, इस थैला में 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, ठीक है ना। और 5 रुपया का इसमें 3 गो सिक्का है, 2 रुपया वाला 2 सिक्का है, 1 रुपया का 4 सिक्का है, और इस तरीके से इस थैला में देखिएगा तो टोटल 230 रुपया है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 230 रुपया है, तो आप ही लोग बताइए, अगर इस थैले में 5 रुपया का 3 सिक्का हो, 5 रुपया का 3 सिक्का हो, 5 रुपया का 3 सिक्का हो, तो बताइए कितना रुपया बनेगा, 15 रुपया। 2 रुपया का अगर 2 सिक्का हो तो 4 बनेगा, 1 रुपया का 4 सिक्का हो तो 4 रुपया होगा। टोटल रुपया देखिएगा तो 15 4 19 और 19 4 23 रुपया बनना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस थैले में इस रेशियो के अकॉर्डिंग 23 रुपया होना चाहिए, लेकिन इस थैले में 230 है, इस थैले में 230 रुपया है। अब 23 से 23 कट जाएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा, 1 बराबर 10 आएगा, और 1 बराबर अगर 10 आएगा तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए, 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, तो 5 रुपया का सिक्कों की संख्या 3 है, 3 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, इसमें 2 है तो 20 आ जाएगा, और इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, यानी 30 20 40 आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या लिख रहा है, अब आप सारे लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, 50 पैसा को अगर रुपया में बदलेंगे तो 1/2 रुपया हो जाएगा, 25 पैसा 100 से भाग दे दीजिएगा तो 1/4 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/4 रुपया हो गया। मूल्यों के अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या नहीं दिया है, सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है कि 1 रुपया का जो मूल्य है ना, ये 4 गो बनता है, इसका 5 बनता है, और इसका क्या बनता है, 6 बनता है। तो एक बात समझिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए कि 1 रुपया वाला सिक्का अगर 4 रुपया बनाता है, 4 रुपया मूल्य बनाता है, तो अगर हम सिक्कों की बात करें, देखिए अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य बराबर होता है क्या चीज, मूल्य बराबर होता है फेस वैल्यू और गुणे एक सिक्का का प्राइस। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे दिया है, मूल्य दिया है, अगर हमको सिक्कों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, नंबर, तो मूल्य में हम लोग फेस वैल्यू से भाग देंगे,
यानी कि अगर नंबर ऑफ क्वाइन निकालना है तो आप समझिए एक रुपया का एक रुपया करके चार रुपया बन गया। एक रुपया वाला सिक्का चार रुपया का मूल्य बनाता है या चार रुपया का मूल्य बनाता है। तो एक रुपया वाला सिक्का अगर चार रुपया बनाता है तो सिक्का की संख्या चार बटा एक यानी कितना होना चाहिए, चार होना चाहिए। यहां देखिए अठन्नी पांच रुपया बनाता है तो दस गो अठन्नी होना चाहिए, या यू कहिए कि हम पांच में एक बटा दो से भाग दे देंगे। यहाँ छ में ये छह रुपया मूल्य है तो चौवन्नी मिलकर अगर छह रुपया बनाया तो हम एक बटा चार से अगर भाग देंगे तो यानी यहाँ पे एक रुपया वाला चार सिक्का होगा, अठन्नी का दस गो सिक्का होगा और चौवन्नी का चौबीस गो सिक्का होगा। टोटल यहाँ पे सिक्का काउंट कीजिएगा तो चौबीस चार अट्ठाईस, अट्ठाईस दस अड़तीस हुआ। और क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कितना 760, 38 से जाएगा दो बार में, एक बराबर 20 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्के बताइए, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है बताइए, 10 है। ये नंबर ऑफ क्वाइंस है, ये तो प्राइस है, तो सिक्कों की संख्या 10 है, तो 10 में अगर हम 20 से गुणा कर देंगे तो बताइए क्या मिल जाएगा, 200, तो आंसर 200 हो जाएगा। आइए देखिएगा अब आप लोग को करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन अभी देखना है और ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है ना, आप लोग बनाइए। कैसे बनाएंगे बताइए, हम बना ही देते हैं। 25 पैसा का मतलब एक बटा चार रुपया, 10 पैसा का मतलब बटा में 100 करेंगे तो एक बटा दस रुपया, एक बटा दस रुपया। पांच पैसे में बटा में 100 करेंगे तो एक बटा बीस रुपया, यहां पर हो जाएगा आपका एक बटा बीस रुपया हो जाएगा। सिक्के एक दो तीन का अनुपात में, इसका एक सिक्का है तो इसका दो सिक्का है, इसका तीन सिक्का है। अब की बार मूल्य नहीं दिया है, सिक्के सिक्के जो है ना एक अनुपात दो अनुपात तीन में है, तो अब अगर इन दोनों को मूल्य चौवन्नी एक गो रहेगा तो एक बटा चार रुपया बनेगा, यहां पर बनेगा प्लस, अगर एक बटा दस का दो गो सिक्का होगा तो बनेगा कितना, दो बटा दस रुपया, अगर एक बटा बीस का तीन सिक्का होगा तो तीन बटा बीस बनेगा। जोड़ दीजिए आप लोग, जोड़ के बताइए मूल्य, तो ये जाएगा पांच बार में। अब एलसीएम ले लीजिए, बीस हो गया, चार पचे बीस पांच आ जाएगा, पांच चौका बीस चार आ जाएगा, बीस से कम बीस तीन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पांच चार नौ तीन बारह, बारह बटा बीस हो गया, इतना रुपया बनेगा। आपने बोला इतना रुपया, क्वेश्चन में दिया तीस रुपया, ठीक है ना, चार से कटाइए तीन बार में, चार से कटेगा पांच बार में, तीन से जाएगा दस बार में, बताइए एक यूनिट बराबर पचास, पांच गुणे दस पचास, एक यूनिट पचास आ गया, एक यूनिट पचास आ गया, तो पांच पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, पांच पैसे, पांच पैसे माने एक बटा बीस है, इसकी संख्या तीन है, तीन बराबर बताना है तो तीन गुणे हो जाएगा पचास यानी डेढ़ सौ आंसर, तो डेढ़ सौ हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है ना, इसको देखिए आप लोग, एक अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाया जाए। देखिए 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 कैसे बनाइएगा, 60 हीरे के एक टुकड़े के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। हीरा का एक टुकड़ा का जो मूल्य है, प्राइस है, जो प्राइस है ना उसके भार, उसका जो वेट है, वेट, ये जो वेट है, वेट के वर्ग यानी कि भार के वर्ग, वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता है। यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा तीन टुकड़ों में काटा जाता है, एक हीरा है अगर इसको तीन टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, ये अनुपात बन गया अगर, तो आप ही लोग बताइए अगर हीरा एक ग्राम दो ग्राम तीन ग्राम, तीन दो पांच, पांच है कितना छह ग्राम, अगर हीरा यहाँ पे छह ग्राम का होगा तभी यहाँ एक ग्राम, यहाँ दो ग्राम, यहाँ तीन ग्राम बनेगा, अरे तीन दो पांच, पांच एक छह हो गया। क्वेश्चन में लिख रहा है कि इसका जो प्राइस है ना, इसका जो प्राइस है वेट का स्क्वायर है, अगर हीरा छह का है तो इसका प्राइस छह स्क्वायर होगा यानी कितना होगा 36 होगा, इसका प्राइस कितना होगा बताइए, एक का स्क्वायर एक, इसका प्राइस दो का स्क्वायर चार होगा, इसका प्राइस कितना होगा नौ होगा, तो आप जोड़ लीजिए नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह, यानी टोटल प्राइस चौदह हो गया। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करिए,
तो एक बात समझिए, यहाँ पे ओरिजिनल हीरा का प्राइस 36 है और आप लोग बताए ओरिजिनल हीरा का प्राइस 36 है, ओरिजिनल हीरा 6 का है प्राइस 36 है, 6 स्क्वायर 36 है और यहाँ पे 5184 रुपया प्राइस है, इतना रुपया प्राइस का एक हीरा काटा गया। तो 36 से कटा लीजिए आप लोग, कटा के देखिए 5184 अब बटा कितना जाएगा 36 आ जाएगा। अगर आप कटाएंगे 6 से तो बताए 6 6 36, 6 8 48, 3 3 5 8, 6 6 36, 2 6 4 24, 6 से कटाइए 6 कम 6 बचेगा 2 2 पे 6 4 24, 6 4 24 144, तो 1 = 144 आपका आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि क्या है, तो आप ही लोग बताइए। पहले प्राइस 36 है अब 14 रुपया हो गया, पहले अगर हीरा काटा नहीं गया था तो इसका प्राइस 36 था, काटने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, हीरा का प्राइस कितना हो गया 14 हो गया। तो हीरा का जो प्राइस है 36 से 14 हो गया, 6 से 4 हो गया तो 2 की कमी, 3 से 1 हो गया तो 2 की कमी, 22 की कमी और एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 144। अगर इसको इकाई अंक चेक करिए 4 × 2 = 8 यानी 8 वाला ये है तो हमको मेरा आंसर बी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अगर ये समझने में दिक्कत है तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या लिख रहा है भाई 61 में, देखिए पत्थर है उसका मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी उसका जो प्राइस है ना पत्थर का उसका वेट का स्क्वायर है, वैसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 2:3 का अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एक पत्थर है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है 2:3 में, यानी 5 होगा। अगर इसका प्राइस निकालिएगा तो क्वेश्चन लिख रहा है कि प्राइस वेट का प्रोपोर्शनल है, वेट स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्राइस, इसका प्राइस कितना 4, इसका प्राइस बोलिए 9, तो 4 और 9 कितना हुआ 13 हुआ। अब आप लोग बताइए 25 से 13 कितने की कमी हुआ बताइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से 3 हो गया 2 की कमी, 2 से 1 हो गया 1 की कमी, 12 की कमी हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा, तो यानी 13 यूनिट पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए आपका ओरिजिनल प्राइस 25 है, ओरिजिनल प्राइस 25 है, 25 बराबर दिया हुआ 1:20, 25 बराबर दिया हुआ ये वाला डाटा दिया हुआ है 1:20 3:0 है यहाँ पे, ठीक है ना। एक यूनिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 1:20 पे 3:0 अब बटा में 25 करिएगा, 25 चौका 100, 2 बचेगा 20 बचेगा, 25 बटे 200 48 आ जाएगा। अब ये 13 × 48 कर दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा आपसे पत्थरों का 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य क्या होगा, तो कुल मूल्य क्या होगा 13 × कर दीजिएगा तो लास्ट में 00 तो होगा ही, 13 13 बटे कितना होता बताइए 13 बटे 104 का 4 हाथ में 10, 13 चौका 52 52 10 52 10 कितना 62, यानी 62 400, यानी 62 400 ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देख सकते थे जब यहाँ पे 13 आ गया था तो 13 से कटने वाला कौन है, ये कटाते अगर तो 13 × 5 = 65, 3 बचता, 3 × 4 = 34, 13 से नहीं कटता तो कैंसिल हो जाता, 13 × 5 = 65, 1 बचता, 1 × 5 = 15, 13 से नहीं कटता, 13 × 5 = 65, 13 से नहीं कटता, 13 चौका 52 10 10 × 4 13 × 113 = 104 कट जाता, तो बी आंसर। यानी 13 का मल्टीपल हम देखते तो मात्र बी है, बी मार के हम आगे बढ़ सकते थे। इसको देखिएगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बनाइए देखिए यहाँ 5:9 के अनुपात में टूट जाता है, 5:9 के अनुपात में टूट जाता है, यानी टोटल बताइए कितना 14, 14 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो क्या है भार के वर्ग यानी वेट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो 14² = 196 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया प्लस 9² = 81 हो गया, 5 और 1 = 6 हो गया, 5 × 6 = 8, 2 कितना हो गया 10 हो गया 106। अब देखिए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज 2 टुकड़ों में टूट जाता है, इसके टूटने के कारण कितने परसेंट की हानि हुई। एक बात बताइए 196 रुपया का सामान टूटने की वजह से 106 बन गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो बताए 6 से 6 आए तो 0 की कमी, 9 से 0 हुआ तो 9 की कमी, 1 से 1 हुआ तो 0 कमी, 90 की कमी, ये 90 का लॉस हुआ। तो भाई 90 का लॉस कितना पे 196 पे, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब कटा दीजिए 2 से पहले, तो 2 से कटाइएगा 45 आ जाएगा, 2 से कटाइएगा 8 × 9 × 18 = 16। अब आप लोग करिए काम, आप लोग यहाँ 4500
200 और कटा दीजिए 49 बार में आ जाएगा, ये हो जाएगा 250, गुणा करिए 0 5 5 25, हाथ में 2 5 6 20 2 22, 2250 में भाग देना पड़ेगा 49 से, 49 से भाग देंगे तो सबसे पहले भाग लगेगा 50 चौका 100, 9 चौका 36 का 6 3, 4 चौका 16 16 3 19 हो जाएगा, तो भाग लगे 15 में से 6 गया कितना आएगा बताइए, तो यहाँ 15 में से 6 गया 7 आ जाएगा, सॉरी 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, उसके बाद बताइए यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 29 में 0 आ गया। अब आप देखिए 49 से कितना बार में जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि 49 से जाना चाहिए 50 मानते तो 50 से 6 बार में जाता तो 300, एक बार में कम 6 कम, तो 6 बार में नहीं जाएगा 5 बार में जाएगा 45, यानी मेरा आंसर जो है 45.92% आने वाला, ये 45 बार में जाएगा देख लीजिएगा, तो आपका ये आंसर आने वाला है। अब इसके बाद देखिएगा इसको आप, ठीक है ना, यहां से समझना है, यहां से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ठीक है ना, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर। चलिए तो अब हम लोग यहां से एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और इस न्यू टाइप का क्या नाम है देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इस न्यू टाइप का नाम है इनकम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। कहने का मतलब क्या है कि आय दे देगा व्यय देगा, आय व्यय एवं बचत पर आधारित प्रश्न, आय व्यय एवं बचत पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा आप लोग, जैसे आप कंसेप्ट को समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, और ए और बी का यहाँ पे इनकम दे दिया है, इनका इनकम जो होता है 4:3 में है, और इसका जो एक्सपेंडिचर है मान लीजिए कि 3:2 है, और इसका जो सेविंग है, इसका जो सेविंग है ना, ये जो सेविंग है इसका 1000 रुपया का सेविंग है, और इसका भी सेविंग 1000 रुपया का है। अब यही क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, तो पहले पूरा थ्योरी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, अगर थ्योरी क्लियर हो जाएगा उसके बाद से ना हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आप लोग, तो भाई देखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए सभी लोग, सेविंग है यहाँ पे, देखिए ए और बी 4 रुपया कमाया, ए जो है 4 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया, 4 रुपया में अगर 3 रुपया खर्च किया तो सेविंग कितने का, 1 का सेविंग, भाई 4 रुपया कमाया, 1 रुपया 4 रुपया कमाया इनकम है, 3 रुपया का एक्सपेंडिचर है खर्च है, तो सेविंग 1 रुपया का। ये देखिए 3 कमाया 2 खर्च किया तो सेविंग 1 का, 1 बराबर यहाँ भी 1000, 1 बराबर यहाँ भी 1000, तो अभी संजोग बढ़िया चल रहा है, संजोग बढ़िया है, डेट मीन्स कि इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 बराबर 1000 आ गया, 1 बराबर 1000 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ए का इनकम बताइए, तो 4 यूनिट 1 बराबर 1 यूनिट, तो 4 बराबर कितना यूनिट, 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 बराबर 4 यूनिट 4000 हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। अगर 3 बराबर 3000, अगर आपसे बोला जाए खर्च बताइए तो 3000, 4000 कमाया, 3000 रुपया खर्च किया, 1000 रुपया क्या किया, बचत किया, तो ऐसे करके बनाएंगे। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले ले, अगर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए हम दे दे ए और बी का, यहाँ पे ए और बी का इनकम हम दे दे, ठीक है ना, तो इसका इनकम मान लीजिए कि 4:3 में है, अब की बार सेविंग दे दिया जाए, सेविंग 3:2 में है, और इनका जो खर्च है जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं वो मान लीजिए कि 500 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे। एक आदमी ए 4 रुपया कमाया, इसका इनकम 4 यूनिट है, और इसका जो सेविंग है 4 कमाया 4 रुपया इनकम किया, उसमें 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो कितना यूनिट का बचत किया, 1 का, 4 रुपया में 3 यूनिट सेविंग किया, तो खर्च कितना किया होगा, 1 यूनिट, ये 3 यूनिट कमाया 2 यूनिट का सेविंग कर लिया, 3 कमाया 2 यूनिट सेविंग कर लिया, तो आप बताइए इसका जो बचत है, सॉरी इसका जो खर्च है वो 1 यूनिट, क्योंकि 3 कमाया इनकम 3 का है, सेविंग 2 रुपया कर लिया, 3 में 2 सेव कर लिया, यानी 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 बराबर 500, यहाँ भी आपका 1 बराबर कितना हो गया, 500 हो गया, 1 बराबर 500। अब 1 बराबर 500 हो गया तो 3 बराबर 1500 हो जाएगा, इसका मतलब 1500 रुपया कमाया, 2 यूनिट सेव कर लिया,
एक बराबर 500 तो दो बराबर 1000 रुपया सेव कर लिया, 1500 में 1000 रुपया सेविंग किया तो 500 खर्च किया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक पॉइंट और समझिएगा आप लोग, देखेंगे यहाँ पे भाई। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इनकम दे देगा, इनकम मान इसका दे दिया 7:6, इसका एक्सपेंडिचर दे दिया 5:4 दे दिया, और इसका जो सेविंग है वो मान लीजिए दे दिया इसका 1000, इसका सेविंग दे दिया 1000। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है भाई, दो यूनिट का डिफरेंस, यहाँ भी दो यूनिट का डिफरेंस। हम लोग का नसीब अच्छा है, देखिए दोनों इक्वल है, अगर यहाँ पे दोनों इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो 2 बराबर 1000, यहाँ भी 2 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना 500, 1 बराबर कितना जी 500, तो यहाँ पे बैलेंस्ड है आपका, यहाँ पे क्या चीज है बैलेंस्ड है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन जो था बन जाएगा। कभी कभी अनबैलेंस वाला क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7:5 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ 6:5 मान लीजिए 5 दे दिया, और ये इनकम दे दिया, ये आपका एक्सपेंडिचर दे दिया, यहाँ पे सेविंग दे दिया ए और बी का, ए और बी का, और इसका इक्वल यहाँ पे 1-1000 मान लीजिए दे दिया, 1-1000 रुपया सेविंग दे दिया। तो देखिए यहाँ का डिफरेंस एक यूनिट है, जबकि यहाँ का 0 का डिफरेंस है, तो भाई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया। तो इक्वल का जब कभी भी यहाँ पे इक्वल दिया है तो यहाँ पे इक्वल गैप होना चाहिए, अगर गैप इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाने के लिए हम नीचे का डिफरेंस 1 से ऊपर गुणा कर देंगे, और ऊपर का डिफरेंस क्वेश्चन में क्वेश्चन का डाटा सही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन का डाटा सही लेके हम फिर बताते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए अनुपात बी है, तो अनइक्वल वाला कभी कभी अनइक्वल रहेगा, ठीक है ना, जैसे कभी कभी अनइक्वल ऐसे ही दे देगा, मान लीजिए अभी हमको एग्जांपल, हम यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होगा, इनकम और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग यहाँ पे 1000 रुपया, यहाँ भी 1000 रुपया है, तो कभी कभी क्या होगा कि अनइक्वल टाइप का रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ का डिफरेंस एक है तो एक ऊपर गुणा कर देंगे, और ऊपर का डिफरेंस इसमें गुणा कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो इक्वल बन जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि ऐसे दे देगा, 7:6 रहेगा, यहाँ 5:4 रहेगा, ए अनुपात बी यहाँ पे है, ये इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग 1000 रुपया, और यहाँ मान लीजिए कि 1500 दे दिया, तो अब की बार हम रामबाण यूज करेंगे, ये 4000 यहाँ ले लेंगे, 4000 यहाँ 1500 ले लेंगे, यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा कितना 1500 का, नहीं 3500 का डिफरेंस, यहाँ करेंगे 728 हो जाएगा, यहाँ 6×5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ का डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 35000 ले लेंगे, तो इसको हम रामबाण कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो और अच्छे से समझाते हैं, आइए के क्वेश्चन भी देखते चलते हैं। इसको देखिए, देखिए इसमें क्या लिख रहा है ना कि ए की आय, ए और बी इनकम, देखिए लिख रहा है यहाँ पे ए की आय बी की आय की 2/3 है, इसका मतलब है कि ए की आय बी की आय की जिससे तुलना होता है नीचे लगता है, बी की आय बी नीचे 2/3 है भाई, तो 2/3 है, तो यहाँ पे 2:3 है दोनों का इनकम। उसके बाद ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, यानी इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 3:4 कितना है 4 है, इतना दे दिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3, बी की आय मान लीजिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, तब बी की आय 3x है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी की आय 3x है, इसका 1/3 कर दीजिएगा, इसका 1/3 कर देंगे ना, तो ए के व्यय के बराबर है, ए का व्यय जो 3y है ना, ए का जो व्यय 3y है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, x/y = निकल जाएगा यहाँ पे x/y 3/1 हो जाएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 हो गया,
तो x का वैल्यू 3, अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 बन जाएगा, y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, y बराबर 1 रखेंगे तो 4 बन जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, a की बचत और b की बचत का अनुपात ज्ञात करना। अब देखिए बचत आपको निकालना है, तो ये जो है 6 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया, तो इसका जो सेविंग है वो 6 में 3 खर्च किया, 3 का बचत है। ये 9 रुपया कमाया, 5 9 रुपया कमाया, ए का इनकम 9 रुपया, इसका एक्सपेंडिचर 4 रुपया, तो 9 में 4 खर्च कर दिया, बच गया कितना 5, यानी 3:5 हो जाएगा। तो आपका 3:5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, देखिए आप सभी लोग देखिए इसमें क्या लिख रहा है बाबू यहाँ पे, ए और बी, अच्छा ए और बी 7:5 में है, इसका इनकम जो है 7:5 में है, ए और बी क्रमशः 4000 इतना रुपया का बचत करते हैं, 4000 रुपया और 3500 रुपया का बचत करते हैं, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, व्यय के बारे यानी एक्सपेंडिचर, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, ए का व्यय 2 है तो बी का व्यय 1 है ऐसा बोल रहा है, और उसके बाद से इसका सेविंग दिया हुआ है, इसका सेविंग 4000 है और इसका सेविंग कितना है 3500 रुपया है, 4000 और 3500 की बचत करते हैं, ए और बी की कुल आय क्या होगी, ए और बी की कुल आय क्या होगी, 7, 5, 12, तो 12 से कटने वाला ये है तो ये ज्यादा चांस बन रहा उत्तर होने का, अरे 7, 5, 12 तो यही उत्तर होने का चांस बन रहा है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अच्छे से बना ही लेते हैं। देखिए एक बार डिटेल में बनाइए, तो यहाँ पे एक मान लीजिए, देखिए ए का इनकम 7x है, बी का इनकम 5x है, 7x रुपया में ये 4000 रुपया बचाया है, ये कमाया 5x, अब 5x में 3500 रुपया का बचत किया, तो जितना कमाया उसमें से अगर बचत को हम घटा दें, बचत को अगर हम हटा देंगे तो जो बाकी बचा है वो सारा खर्च कर दिया होगा, यानी 5x कमाया, 3500 बचा के अभी भी रखा हुआ है, तो 5x में से 3500 रखा हुआ हटा दीजिएगा तो बाकी खर्च है, और इन दोनों का खर्च का अनुपात 2:1 है, तो ये बेसिक हो गया। अब आप बेसिक से करिएगा तो ये गुणा कर लीजिए 7x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 4000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 10x हो जाएगा, 5 × 10x माइनस माइनस 35 × 70 7000, तो 10x में से 7x गया 3x, यहाँ 4000 में से 400 गया, 4000 में से 7000 में से 4000 जाएगा, 3000 आ जाएगा, अब 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 1000 आप लोग का हो जाएगा, x बराबर 1000, और x बराबर 1000 हो जाएगा तो दोनों का कंबाइंड इनकम 7x 5x 12x हो जाएगा, 12 × x का वैल्यू 1000, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना ये 12000 हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस क्वेश्चन को रामबाण से भी बना सकते हैं, आप ऐसे गुणा करते तो बताइए 35 × 70 7000 आ जाता, ऐसे गुणा करते तो 4000 आ जाता, इन दोनों का डिफरेंस 3000। अब देखिए एक का गुणा 7 से करेंगे तो 7 आएगा, एक 2 से करेंगे तो 10 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, ये 3 आईएस 3000 बराबर होगा, 3 बराबर कितना होगा 3000, और 3 बराबर 3000 तो 1 बराबर कितना 1000, तो 3 बराबर 3000, 1 बराबर 1000, और जब 1000 हो गया तो इन दोनों का जो इनकम है 7, 5, 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 12000। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ए और बी है भाई, इनकम का रेशियो दिया 11:13, उसके बाद दिया उनके व्यय एक्सपेंडिचर बताइए कितना है 9:11 कितना 11, वे दोनों 4000 रुपये की बचत करते हैं, तो इसका सेविंग भी 4000 है, इसका सेविंग भी 4000 है। अब आप समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेविंग 2 रुपया का, यहाँ सेविंग 2 बराबर 4000, 2 बराबर 4000, 1 बराबर 2000, 1 बराबर 2000, आसान क्वेश्चन है। उनकी आय में अंतर बताइए, तो इनकी आय में अंतर बताइए 11 और 13 अंतर 2 का, तो 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर कितना 4000, आपका आंसर 4000 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, अब आप लोग देखेंगे सारे लोग फटाक बताएंगे भाई, ए और बी का 4:5 है, उनकी मासिक व्यय इनकम, उनकी मासिक व्यय 3:8 है भाई, 3:8 कितना है 8 है, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ए की आय मान लीजिए ऐसे दे दिया, इसको वाई मान लीजिए, ए की आय 4x, ए की आय बी की व्यय के बराबर है, बी का व्यय 8y, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है ना,
तो बराबर है दोनों, तो बताइए चार से कट जाएगा दो बार में, एक्स बटा वाई इक्वल टू हो जाएगा टू बाई वन। तो एक्स के जगह पे दो रखिएगा दो, तो ये हो जाएगा आठ हो जाएगा, यहाँ दो रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा दस, वाई बराबर वन रखिएगा तो तीन हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा। इनका बचत देखना है सेविंग, तो आठ में तीन रुपया खर्च किया पांच का बचत, ये दस में आठ खर्च कर दिया दो का बचत, पांच अनुपात दो, तो पांच अनुपात दो आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए आप लोग क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिख रहा है किसी विद्यालय में कक्षा दस के तीन सेक्शन है, छात्रों की संख्या का अनुपात तीन सेक्शन है वन टू थ्री, किसी विद्यालय में तीन सेक्शन है, इसमें विद्यालय में बच्चों की संख्या तीन पांच आठ के अनुपात में है। इसमें अगर मान लीजिए कि 15 छात्र जोड़ दिया गया, 15 30 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं, अगर इसमें जो है आपका 30 छात्र अधिक आते हैं, इसमें अगर 15 छात्र और आ जाते हैं हो जाते हैं, तो इनका जो नया अनुपात है, ये जो नया अनुपात है चार अनुपात सात अनुपात नौ हो जाता है, चार अनुपात सात अनुपात नौ हो जाता है। नए दाखिल से पहले छात्रों का कुल संख्या बताइए, यानी दाखिला से पहले छात्रों की कुल संख्या बताना है, तो बताइए तीन से चार हुआ तो एक, एक बराबर पंद्रह, पांच से सात हुआ दो, दो बराबर तीस, एक बराबर पंद्रह सही है, आठ से नौ हुआ एक यूनिट, एक बराबर पंद्रह, तो सब जगह देखेंगे तो एक बराबर पंद्रह है। नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या आठ पांच तेरह, तेरह तीन सोलह, और सोलह गुणे एक यूनिट बराबर पंद्रह आ गया, तो 16 गुणे 15 कर देना है, 15 छक्का 90, 15 कम 15 24, यानी 240, यानी आंसर हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई सारे लोग, ए और बी, ए और बी जो है यहाँ पे चार अनुपात पांच है, इसका इनकम, इसका इनकम मासिक बचत का अनुपात, इनके सेविंग का रेशियो 14 अनुपात कितना है 19 है, ए और बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 है, इसका भी एक्सपेंडिचर 1200 है, इसका एक्सपेंडिचर भी क्या है 1200 है, 1200 रुपया एक्सपेंडिचर, प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपया है, ए और बी की मासिक आय के बीच कितना का अंतर है, ये अंतर निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वल दिया है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ दोनों क्या चीज है बाबू इक्वल है, तो देखेंगे जब कभी भी इक्वल रहता है ना, ये जब कभी भी इक्वल होता है तो यहाँ चेक करते हैं, चार कमा के 14 रुपया सेविंग, क्या ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अरे चार कमाया और 14 रुपया खर्च कर दिया, ये टोटली अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए जब कभी भी इक्वल होता है तो इक्वल करने का तरीका होता है कि यहाँ का डिफरेंस हम देखते हैं पांच है, यहाँ का डिफरेंस एक है, तो ये एक इसमें गुणा कर देते हैं, और ये जो पांच आया इसमें गुणा कर देते हैं पांच पांच, तो अब बताइए ये कितना हुआ 20, अब 20 में 14, 20 रुपया कमाया उसमें 14 रुपया सेव किया, आप ही बताइए आप अगर 20 रुपया कमाए 14 रुपया सेविंग किए तो 20 में 14 का सेविंग यानी 6 रुपया खर्च किए, 25 कमाए 19 रुपया सेव किए तो 6 रुपया क्या किए खर्च किए, 6 बराबर 12000, तो 6 बराबर 1200, 1 बराबर निकालेंगे 200 और 1 बराबर 200, तो आपसे बोल रहा है कि दोनों का अंतर, तो यहाँ 20 है यहाँ 25 है, दोनों का अंतर, दोनों के आय में अंतर, तो इसका आय 20 यूनिट, इसका 25 यूनिट, तब 20 और 25 यूनिट में पांच का अंतर है, पांच का अंतर 1 बराबर 200, तो 5 बराबर गुणे 200 कर दीजिएगा, तो 5 गुणे 200 करेंगे आपका आ जाएगा 5 गुणे 200, 5 दूना 10, 1000 आ जाएगा। अब आइए इसको देखिएगा आप लोग, देखिए आसान क्वेश्चन है और आप हमको लगता है कि बना भी लीजिएगा, तीन चार के अनुपात में इनका इनकम है, उनका व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है 2:3 में है, ठीक है ना, सेविंग 6000 6000, सेविंग क्या है 6000 6000 रुपया है, पी की आय बताइए, एक बात बताओ बाबू यहाँ पे, यहाँ पे एक का डिफरेंस एक का बैलेंस, 1 बराबर 6000 1 बराबर 6000, तो पी की आय 3 3 बराबर कितना 18000, 1 बराबर 6000 3 बराबर 18000, योर आंसर इज 18000। आइए इसको देखते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, ठीक है ना, 70 क्या है, तीन कक्षा में विद्यार्थी 2 3 5 के अनुपात में है, ठीक है ना, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ गए, इसमें भी 40 बढ़ गए, इसमें भी 40 बढ़ गए और इसमें भी 40 बढ़ गए, प्रत्येक में 40 बढ़ गए, 4 5 7 हो जाता है, ये 4 5 और कितना हो जाता है 7, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या थी प्रारंभ में, तो अब देखिए बाबू 2 से 4 होना मतलब 2 बढ़ा 2 बराबर 40, 3 से 5 हुआ 2 2 बराबर 40, 5 से 7 हुआ 2 का बढ़ा 2 बराबर 40, 2 बराबर 40 1 बराबर 20 हो गया,
तो प्रारंभ में बच्चों की संख्या 5, 3, 8, 8, 2, 10 यूनिट निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना 200, तो 10 यूनिट का वैल्यू 200 आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2 से 4 2, 2 = 40, 1 = 20, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 × 20 200 होना चाहिए, तो इसमें 200 होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर तो 200 ही आता है, बाकी आप लोग चेक करिएगा। इसको देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। दो संख्या, संख्या ए है, दो संख्या ए और बी, ए और बी 5:7 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 40 घटाया जाए तो बताइए, इसको अगर हम 5x 7x मानेंगे तो 5x/7x, 5x/7x, अगर दोनों में से, अगर दोनों में से हम 40 घटा दें, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों में से 40 घटाने पर 17:1 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। संख्याओं का अंतर बताइए, अंतर हम निकालेंगे 2x, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x निकाल लेंगे आप लोग, और x निकाल के इसमें कर लेंगे, पहला तरीका। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि 5:7 है और उसमें से 17/17 27 आ गया, कितना घटाने के बाद बताइए, तो घटाने के बाद 40, तो 40 का डिफरेंस है ये 40। तो देखिए यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल है, और जब कभी भी इक्वल होता है तो क्या करना बताइए, इसका डिफरेंस 10 से ऊपर गुणा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। यहाँ 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो बताइए ये हो जाएगा 34, 2 से गुणा करेंगे 34, तो बताइए 50 में से 34 गया, 50 में से 34 गया 16, 70 में से 54 गया कितना 16, 16 = 40, 1 = 2.5 आ जाएगा, 1 = 2.5, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, 50 और 70 के बीच में अंतर 20 है, तब 20 = 20 × 2.5 कर दीजिएगा, तो 20 × 2 = 40 हो गया, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा, तो आंसर योर आंसर इज 50। और भी तरीका है, ठीक है ना, लेकिन आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए और बी की जो आय है वो 3:5 में है, इनकम उनका एक्सपेंडिचर जो है 4:1 कितना में है, 7 में, इसका सेविंग जो है 1600 रुपया है और इसका सेविंग 2600 रुपया है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है, 2600 की बचत करते हैं, दोनों के व्यय के बीच में अंतर बताइए, दोनों का व्यय निकालना है, दोनों का व्यय। तो सुनिए हम ऐसा करते हैं, एक तरीका तो डिटेल वाला कर लीजिए आप, कि 3x/5x हो गया, माइनस कर दीजिए दोनों में, ठीक है ना, तो ये 1600 रुपया सेविंग वाला हटा दीजिए, ये सेविंग जो किया उसको निकाल दीजिए, तो बाकी जो भी बचा वो सब खर्च किया, खर्च का अनुपात 7/9, तो खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा 4/, खर्च का जो अनुपात होगा 4/ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अब करिए आप लोग, तो इसके बाद देख लेना है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, 7 × 21x माइनस 0 0, 16 × 7 = 42 का 2, हाथ में 4, 7 × 7 = 11 माइनस 4 × 5 = 20x, 20x बराबर है यहाँ पे 5 × 4 = 20x माइनस है यहाँ पे 26 से गुणा करिए तो 0 0, 6 × 4 = 24 का 4, हाथ में 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10 हो गया, 10 हो गया। अब बताइए 21x में से 20x का x आ गया, 11200 में से 10400 जाएगा यहाँ पे, तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, तो बताइए 00 से 00 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ 10 में से 800 आ गया, x का वैल्यू 800, तो 800 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 × 3 = 2400, ये बताइए कितना होगा, 800 आया, तो 800 × 5, 5 × 800, 8 × 5 = 40, 4000। अब देखिए दोनों का व्यय देखना है, तो इसका व्यय निकालिए, ठीक है ना, ए का व्यय निकालिए आप, ए का व्यय देखिए, ए का व्यय कितना है, ए कमाया 2400, खर्च किया, ए कमाया 2400, उसमें बचत किया 1600, तो 2400 कमा के अगर 1600 बचत किया, आप ही लोग बताइए, अगर 2400 कमाया और 2400 कमा के 1600 रुपया क्या किया, बचत किया, तो यानी कि 800 रुपया व्यय किया। इसका बी का व्यय निकालिए आप लोग, बी का व्यय, तो इसका व्यय आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बताइए 4000 कमाया और उसमें 2600 रुपया बचा लिया, तो इसका मतलब 1400 रुपया क्या किया, 1400 रुपया किया। क्वेश्चन में लिख रहा है उनके व्यय के बीच का अंतर बताइए, तो इन दोनों के व्यय के बीच का अंतर जो है ना 1400 में अगर 800 घटा दीजिएगा तो 600 आ रहा है, तो ये 600 आ रहा है, अंतर 600 आया। अब देखिए आंसर में 6000 है यहाँ पे,
इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी लेकिन एक जीरो होना चाहिए था, या तो 16000 26000 नहीं तो 1600 और 2600। चूंकि आंसर में 6000 दिया, एक जीरो बढ़ा के यहाँ दिया है, इसका मतलब दोनों में जीरो ज्यादा होना चाहिए और आंसर ये हो जाता। बाकी रामबाण भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो रामबाण लगा के जो मेरा कॉपी होगा रामबाण उसमें होगा उसे भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। आइए इसको देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बनेगा आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सारे लोग भाई। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 28 लीटर के मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात, देखिए 28 लीटर मिश्रण है और इसमें पेट्रोल है और उसके बाद से आयल है, तो पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है, तो ये 5 और ये 2 टोटल 7, 7 = 28, 1 = 4, 1 = 4 करेंगे अगर, तो ये बताइए ये है आपका 20 लीटर और ये है कितना लीटर, 8 लीटर है। इसमें कितना लीटर तेल और मिलाया जाए आप ही बताइए, इसमें क्या मिलाना हम लोग को, तेल। तो भाई अगर हम तेल मिलाएंगे तो ये जो तेल है तेल, अगर हम तेल मिलाएंगे तेल तो बताए तेल 8 लीटर से कुछ बढ़ के यहाँ पे आएगा, तेल मिलाएंगे कुछ ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन लेकिन कुछ लेकिन हाँ मिलाने के बाद से 2:1 हो गया, मिलाने के बाद से 2:1 यहाँ पे हो गया। अगर हम तेल मिलाएंगे तो तेल बढ़ेगा लेकिन पेट्रोल तो भाई नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल 20 है तो 20 ही रहेगा, तो यहाँ 2 = 20 है, 2 = 20 है तो 1 = 10 है, तो यह 1 = 10 हो जाएगा, तो 8 लीटर से 10 लीटर हो गया, कितना लीटर बढ़ गया, 2 लीटर, तो आपका आंसर 2 लीटर हो जाएगा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 लीटर में ध्यान दीजिए हम तेल मिला रहे हैं, तेल अगर मिलाएंगे तब पेट्रोल कांस्टेंट होगा, तो 28 लीटर में पेट्रोल है 5 टोटल 7 का, पेट्रोल को कांस्टेंट कीजिए। अगर हम तेल मिलाएंगे, याद कीजिए वन थिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर तेल मिलाएंगे तो तेल बढ़ेगा पेट्रोल कांस्टेंट होगा, तो 28 का 5:2 पेट्रोल तेल का है, तो 5 यूनिट पेट्रोल है या टोटल 7 में से, तो ये पेट्रोल है, तो हम पेट्रोल बराबर पेट्रोल भी कर सकते हैं, पेट्रोल बराबर यहाँ पेट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम इसमें 1 लीटर तेल मिला देंगे ना, तो अब मिश्रण 28 नहीं रहेगा, अब मिश्रण 28+1 हो जाएगा, और उसमें 2:1 है तो 2 हो जाएगा आपका पेट्रोल टोटल 3 में से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 = 2 लीटर आपका आ जाएगा। आइए इसको देख लीजिए आप, तो इस क्वेश्चन को बनाना है कैसे बनाइएगा बताइए। तो 55 लीटर है भाई यहाँ पे, 55 लीटर, 55 लीटर में दूध है, मिल्क है, और यहाँ पे क्या चीज है, वाटर है। 7:4, 7×4 = 11, 11 = 55, 1 = 5, 1 = 5, तो आप बताइए ये है 35 लीटर, ये है कितना लीटर, 20 लीटर। अब क्वेश्चन में लिख रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए इस अनुपात को कितना कर देना बताइए, इस अनुपात को 7:6 कर देना है, 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, तो यहाँ पे जल मिलाना है भाई, वाटर, तो वाटर मिलाएंगे तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ेगा, ये ऐड होगा, प्लस होगा, लेकिन अगर हम जल मिलाएंगे तो जल बढ़ेगा, लेकिन आपका जो मिल्क है वो तो कॉन्स्टेंट होगा भाई, ये 35 हो तो यहाँ 35 होगा बताइए। अब बताइए 7:6, तो यहाँ 7 = 35 है, 7 = 35 है, 1 = कितना है, 5 है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना में क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तो 30, अब 20 से अगर 30 हो गया तो कितना लीटर आंसर मारिएगा, 10 लीटर मारिएगा, और इसको देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 6300 रुपया आपके पास है, और ABCD में इस प्रकार, ABCD में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि AD का संयुक्त हिस्सा, आप लोग देखिए यहाँ पे A और D का संयुक्त हिस्सा, और उसके बाद से यहाँ B और C के संयुक्त हिस्सा का जो अनुपात है ना, 11:10 है भाई, ये जो है ना 11:10 कितना है, 10 है, तो 11:10 = 21, 11:10 = 21 = 63, 21 × 63 = 300, और ये 300 तो ये हो जाएगा आपका 3300, 3300 आइए 3 गुना करिएगा, 30 गुना करिएगा, 300 से गुणा करिएगा तो 3000 हो जाएगा, आइए 300 से गुणा करिएगा तो 33 हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद से ना बोल रहा है कि बी और डी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है भाई, इसमें बी इसमें डी, बी और डी के हिस्सों का अनुपात, यानी बी और डी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है, 8:9 है,
सी को 1560 रुपया मिलते हैं भाई। अच्छा सी को, इसमें दो लोग हैं, बी और सी दोनों हैं भाई, बी और सी है, तो सी को मिल गया 1560 रुपया। 3000 रुपया में बी और सी दोनों हैं, और बी और सी दोनों हैं 3000 में, बी सी दोनों हैं 3000 में, 1560 इसको मिल गया। तो बताइए 1500 मिला होता तो 1500, 60 ज्यादा तो 60 कम, 1440 रुपया बी को मिलेगा। और बी को अगर मिलेगा 1440, बी को अगर 1440 तो इसका निकाल लीजिए, बताइए 8 एकम 8 बराबर 1444, 8 बराबर 1444, 8 एकम 1 6, 8 अटाइम 64 180, 180 से यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो डी का हिस्सा निकल जाएगा। तो डी का हिस्सा बताइए 99 81, मतलब करिए 9 8 72, 9 एकम 9 9 7 16, यानी हो जाएगा 1620 रुपया। ए के हिस्से में कितना का अंतर है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, देखिए सी को इतना मिलता है तो ए के हिस्से में कितना का अंतर, ए के हिस्से में कितना रुपया है निकालना है अगर, तो ए का हिस्सा का निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें दो लोग है, ए और डी है, डी का हम निकाल लिए 1620 रुपया। तो बताइए 100 में से अगर 20 घटेगा तो 80 आएगा, या एक हासिल दे देंगे तो 100 में से 20 गया 80 आ गया, यहाँ बचा 32, 32 में से 16 गया 16 आ गया, तो ए के हिस्सा में 1680 रुपया हो गया। अब यहाँ पे सबका निकल गया है, क्वेश्चन हल्का सा अधूरा है कि ए के हिस्से में कितना रुपया का अंतर आया, तो दो लोग रहेगा तब ना अंतर निकालेंगे, बताइए तो किसका किसका अंतर हम लोग निकालें। हो सकता है कि ये पूछ रहा होगा कि ए और बी के बीच में कितने का अंतर आया, ए और बी में, तो ए में भाई ए का वैल्यू अगर 1680 ए का, और अगर बी का देखिएगा तो बी का हिस्सा जो है ना आपका 1440 रुपया है, 1440 है, तो इन दोनों का अंतर 0, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 2, 240 का अंतर। तो ये अंतर अगर आपसे पूछ रहा हुआ ए और बी का तो 240, अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी फेज 9 2022 का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा प्ले करके फिर से आप देख लीजिएगा लोग। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 77, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, कितना क्वेश्चन है टोटल, देखिए क्वेश्चन नंबर 77, देखिए ये सीजीएल 21 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। ए और बी की वर्तमान आयु, जैसे मान लीजिए यहाँ के बात हो रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु 7:8 है, ये वर्तमान है भाई, वर्तमान है, ए और बी की वर्तमान आयु 7:8 है। अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद आप ही लोग बताइए, अगर 6 वर्ष बाद देखा जाए तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है ना वो 8:9 हो जाता है, 8:9 हो जाता है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु निकालना है, सी की वर्तमान आयु निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले एक बात बताइए, ए का जो एज है, ए का एज ये 7 से 8 हुआ है तो ए का वृद्धि हुआ है, और बी का एज 8 से 9 हुआ तो ये भी कितने का वृद्धि हुआ, एक का। और हम जानते हैं कि 6 साल बाद ए भी बढ़ेगा 6 साल, बी भी बढ़ेगा 6 साल, दोनों एक एक बड़ा है, बैलेंस है, तो 1 बराबर 6 साल हो गया। अरे 7 से 8 हुआ तो 1 का वृद्धि 1 बराबर 6, और बी जो है 8 से 9 हुआ 1 का वृद्धि 1 बराबर 6, तो 1 बराबर 6 हुआ। अगर वर्तमान में हम ए का उम्र पूछे तो 6 7 × 6 करिएगा तो ए का उम्र 42 हो गया। अब सी का उम्र आपसे पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल ज्यादा है, तो सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 52। तो यानी आंसर हो जाएगा कितना जी, 52। तो 52 आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, 78। अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है, दुकानदार को 100 रुपया देता है, तो दुकानदार को 100 रुपया दिया, उसमें 20 रुपया का ब्रेड लिया, 20 रुपया का क्या ले लिया, ब्रेड, बताए शेष कितना बचा, 80, शेष 80 रुपया बच गया, ये शेष 80 रुपया बच गया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे दुकानदार 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया का,
ये दुकानदार जो है ना तीन तरह का नोट देता है भाई, 2 रुपया का देता है, 5 रुपया का देता है और 10 रुपया का सिक्का। रुपये मूल्य के मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है, यानी सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है ऐसा बोल रहा है। तो आप लोग बताइएगा भाई, आप सारे लोग बताएंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे एक सिक्का का दाम 2 रुपया तो 5 सिक्का का दाम 10 रुपया, यहाँ 5 चौका 20 रुपया, एक सिक्का का 5 4 सिक्का हो तो 20 रुपया, एक सिक्का का 10 एक सिक्का है तो 10 रुपया, बताइए 10 20 30 30 10 कितना 40, यानी 40 = 80 हो गया और 40 = 80 1 = 2 हो गया। एक बराबर दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है, दुकानदार 5 रुपये के 5 रुपये के कितने सिक्के तो 4 सिक्के, 1 = 2 तो 4 = 4×2 = कितने जी 8 सिक्के, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को देखिए 79 क्या लिख रहा है जी यहाँ पे, एक माँ उसकी बेटी का वर्तमान उम्र, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मदर और उसकी डाउटर, मदर डाउटर 7:1 है वर्तमान में भाई, वर्तमान में 7:1 है कि नहीं बताइए। 5 वर्ष बाद क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ये अनुपात हो गया मदर और डाउटर का जो रेशियो हो गया 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए, उनकी वर्तमान आयु का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला एज 5 साल बाद का है तो ये ज्यादा है, 4:1 ज्यादा है, 7:1 कम है। और आप लोग बताइए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 5 साल, मदर भी 5 साल बढ़नी चाहिए, डाउटर भी 5 साल बढ़नी चाहिए। अगर मदर 5 साल बढ़ जाए और डाउटर भी 5 साल अगर बढ़ जाए, मदर 5 साल डाउटर, तो इन दोनों के बीच में इक्वल का गैप होना चाहिए। इक्वल का गैप बनाने का तरीका क्या है, ऊपर का 3 और नीचे का कितना 6, इसको भी कटा दीजिए आप, यहाँ पे 2 आ गया, इसका 2 ऊपर गुणा कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा 2 हो जाएगा 8 2, और इसका 1 नीचे गुणा कर दीजिए 7:1 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 5 साल मदर बढ़े 5 साल डाउटर बढ़े, तो ये वाला एज में मदर का भी इक्वल का डिफरेंस होना चाहिए और डाउटर का भी इक्वल का डिफरेंस। यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस है, अनबैलेंस है, तो यहाँ का डिफरेंस 3 देखेंगे, यहाँ का डिफरेंस 6 है, इन दोनों को कटा लीजिए 2 आया तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए। अब यहाँ का डिफरेंस देखिए 1 आया, यहाँ का डिफरेंस 1 आ गया, अब बैलेंस हो गया, 1 = कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु बताइए, तो वर्तमान में दोनों का अंतर बताइए, तो वर्तमान में ये वाला है 7:1, तो बताए दोनों के बीच का अंतर कितना 6, 1 यूनिट = 5 तो 6 यूनिट = 30 हो जाएगा, 30 आंसर है। आइए इसको देखते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक्स वाई विपरीत चिन्ह वाला, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्स वाई विपरीत चिन्ह वाला माने एक्स और वाई अपोजिट साइन का है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस में है, और यहाँ पे ये दिया हुआ x^7 y^2 16 81, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको याद है, ये MTS में पूछा गया था तो याद है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या दे रखा है आपका, x^2/y^2 = दिया अगर 16:81, तो x बटा वाई निकालिएगा ना तो 4:9 कितना आ जाएगा 9। और क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक्स वाई विपरीत चिन्ह वाला है, तो एक माइनस में तो एक प्लस है, यानी कि माइनस का माइनस 4^2 = 16 होगा और 9^2 = 81 होगा, तो विपरीत चिन्ह रखना एक माइनस में तो एक प्लस में। अब एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू कितना 9, आप इसमें रख लीजिए, आपको निकालना है 3x + 4y, तो आपको निकालना है 3x + 4y / यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y आपको निकालना है। तो देखेंगे भाई 3 × x का वैल्यू -4 प्लस 4 × y का वैल्यू 9 डिवाइड बाई, उसके बाद देख लीजिए आप लोग, तो 2 × -4 और -3 × 9, 9 चौका 36 और -12, तो ये हो जाएगा -12 + 36 और बटा में यहाँ पे है -8 - 27 दिया हुआ है, 36 में से 12 गया हो गया आपका कितना हो जाएगा बताइए 24 हो जाएगा, 24 - -35 हो गया, 24 बटा माइनस 35 तो 24 बटा
24 बटा माइनस 35 यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन में होगा तो माइनस 24 बटा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके आगे आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, वाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, वाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, वाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब है कि वाई वन बराबर हम बोल सकते हैं के एक्स वन, और ये भी बोल सकते हैं कि वाई टू बराबर हम बोल सकते हैं के आई इन टू एक्स टू बोल सकते हैं, भाग लगा देंगे तो के कट जाएगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि वाई अनुपाती, वाई अगर समानुपाती है एक्स के तो वाई वन बटा वाई टू आइसकल टू बोल सकते हैं, एक्स वन बटा क्या थी एक्स टू बोल सकते हैं, वाई ऊपर एक्स ऊपर वाई वन के कोरस्पॉन्डिंग, एक्स वन ऊपर वाई टू के कोरस्पॉन्डिंग, एक्स टू नीचे हो जाएगा। अब वैल्यू रख लीजिए एक्स बराबर 42 होने पर, एक्स का वैल्यू 42 होने पर, 42 होने पर वाई का मान 61 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर एक्स बराबर 54 हो, एक्स बराबर 54 हो, एक्स बराबर 54 हो तो वाई का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए अब देखिए कैसे बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। पहले तो 6 से कटाइए, 6 सात 42, 6 नवा 54 हो गया, 9 छक्का 54, तो क्वेश्चन में कहीं एरर हो गया क्या इसमें। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 42 होने पर वाई बराबर 61 है, एक्स 54 होने पर, 54 होने पर वाई का मान, अच्छा पूर्णांक मान का संज्ञान ले, बोल रहा है कि पूर्णांक मान का संज्ञान ले। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अब करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे वाई इंटू 7 करेंगे तो 7y इक्वल टू 9 एकम 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। अब वाई निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 54 पे 9 बटा में 7, 7 से भाग लगाइए, 7 सते 49 हो गया, 5 बच गया, 5 पे आएगा 9, 7 8 56 हो जाएगा, 59 में 56 गया 3, 3 बटा 7 30, 7 6 28 0.4 आ जाएगा, तो 78.4 आपका आ रहा है। अगर हम पूर्णांक में आंसर देंगे तो 78 आंसर दे देंगे, तो 78 आंसर है। अब इसके बाद इसको देख लीजिए, देखिए इसमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का, देखिए विद्यालय है इसमें विद्यार्थी है, इसकी कुल संख्या का, इसकी कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं, गर्ल हैं, और उसके बाद यहाँ बॉय के बारे में दिया हुआ है। अच्छा 12 में अगर 5 गर्ल हैं, 12 में 5 गर्ल हैं तो 7/12 भाग, 12 में 5 लड़की तो 7 लड़का, 7/12 लड़का, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का कुल संख्या में से 4/7 लड़के, 4/7 लड़के ना, लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु, 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, तो बच जाएगा 3/7, अरे 7 में 4 निकल गया तो 3/7 जो यहाँ बचेगा ये 14 वर्ष से कम है, तो ये 14 वर्ष के बराबर या 14 वर्ष से अधिक होंगे। बात आ रही समझ में। लड़कियों की कुल आयु का 2/5 लड़कियां 14 वर्ष या उससे अधिक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या चीज, लड़कियों की कुल आयु में, लड़कियों की कुल में से 2/5 लड़कियां, 2/5 लड़कियां जो है ना 14 वर्ष बराबर, इसके बराबर या अधिक है, या अधिक है, तो आप ही लोग बताइए 2/5, 5 में से 2 तो यहाँ 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा मान माने जिसमें 12 से भी भाग लगे, 5 से भी भाग लगे तो 12 × 5 = 60, और 7 से भी लगे तो यहाँ बटा में 12 आ रहा है, यहाँ बटा में कितना आया 5, और यहाँ तो 12 ले चुके हैं, यहाँ बटा में 7 है तो 7 भी ले लीजिए, 12 × 5 = 60, 60 × 7 6 × 7 = 42, 420 मान लीजिए, 420 मान लीजिए यहाँ पे। अब करिए आप लोग, तो 420 का 5/12 निकाल लीजिए, तो 420 का अगर हम अगर 5/12 निकालेंगे तो 12 × 3 = 36 बचेगा, 6 × 6 = 0, 12 × 5 = 60, 35 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 बचा, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 175 यहाँ आ जाएगा। तो बताइए ना 0, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 10 में से 5 गया 5 आ गया, बच गया 1, 11, 11 में से 7 गया 11, 11 में से 7 गया 4 आ गया, और
ग्यारह, हाँ सर, तीन में से गया दो आ गया था, 245 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 175 का 3/5 निकाल दीजिए आप, 175 का अगर 3/5 निकाल दीजिएगा तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा, बचेगा दो, दो पे पांच, पांच पे 25, 35 × 105 आ जाएगा, 175 में 105 निकल जाएगा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है ना, 35 × 70 आ जाएगा। यहाँ पे निकालिए तो यहाँ 245 का अगर अगर आप 245 का 4/7 आप निकाल लेंगे तो 7 × 3 = 21 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 75, 7 × 2 = 140 आ जाएगा, 45 × 40 = 5 आ जाएगा, 2 में से 105 आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है इसके बाद, यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, 14 वर्ष से कम, तो देखिए 14 वर्ष से कम विद्यार्थी, विद्यार्थी लेना है तो 14 वर्ष से कम में ये 105 ये लड़की है, और 14 से कम में 140 ये 140 जो है लड़के हैं, टोटल जोड़िएगा तो 245 यूनिट हो रहा है, और ये 245 का जो वैल्यू है ना, बताइए 14 वर्ष से कम में ये 105 है या 140 है, 105 140 245 और इसका वैल्यू 1120 दे रखा है, ठीक है ना, एक यूनिट निकालिएगा तो 1120/245 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 से घटाइए, 5 × 9 = 20, 5 × 9 = 45, 5 से घटाइए, 5 × 2 = 10, 5 × 10, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। अब देखिए तो इतना आ गया, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना माने है 420, तो यहाँ 420 माने तो 420 का 224 अब बटा में आ जाएगा 49, 7 से कटाइए 60 बार में, अब 7 × 7 = 21, 7 × 3 = 21, 1, 7 × 2 = 14, तो अब देखिए 6 × 2 करिए गुणा, 6 × 2 = 12 आया, 6 × 3 = 18, 18 × 1 = 19 आ गया, तो यानी 1920 हम लोग का आंसर है जी, 1920, तो 1920 आंसर हो गया है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा आप। अब इस क्वेश्चन को अभी हम बताते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 84 नंबर, देखिए एक पिता माने फादर अपनी पत्नी, फादर के लिए उसकी पत्नी ये है, वाइफ है, 7 वर्ष अधिक है, तो ये जो है ना इसके तुलना में ये 7 साल ज्यादा है, वाइफ के तुलना में फादर माने फादर की वाइफ, माने फादर की वाइफ माँ, जो फादर की वाइफ है वही माँ हो गई, माँ की यही माँ हो गई, हुई कि नहीं बताइए। एक पिता की उम्र अपनी पत्नी की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, पिता की उम्र पत्नी से 7 साल ज्यादा है, और ये जो पत्नी है माँ इस समय अपनी पुत्री, यहाँ अगर हम पुत्री की बात कर लें, पुत्री की बात, तो पुत्री की उम्र की तिगुनी है, तो ये पुत्री की उम्र की इसकी उम्र की तिगुनी है, पुत्री की उम्र 10 है, अच्छा ये 10 है तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो कितना है 37। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी बताइए, तो पुत्री के जन्म समय अभी पिता की उम्र 27 साल है भाई, अभी पिता की उम्र 27 साल है, और पुत्री अभी 10 साल की हो गई है, तो जब पुत्री का जन्म हुआ होगा 10 साल पहले ही हुआ होगा, ठीक है ना, 10 साल, तो 10 साल हुआ होगा तो बताइए कितना होगा, 17, यानी आंसर हो जाएगा कितना, 37 है, यहाँ 37 है, अभी फादर 37 का है, पुत्री 10 की है, तो जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले यहाँ पे जो फादर होगा वो 27 साल का होगा, तो 27 साल का होगा। आइए इसको देखिएगा आप लोग, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड है, बेसिक में बताते भी हैं कि 600 रुपया है टोटल, 600 रुपया, अच्छा इसमें 72 नोट है, टोटल नोट 72 है भाई, मान लीजिए कि 5 रुपया वाला नोट है और 10 रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला नोट है, अब एक बात को समझिए आप लोग, 5 रुपया 10 रुपया, अगर 5 रुपया वाला नोट एक से है तो बताइए 10 रुपया वाला 72 माइनस कितना होगा, एक से नोट होगा, आप बताइए 5 रुपया वाला एक से नोट है तो 5x रुपया बनेगा, 10 का 72 माइनस x नोट है तो 10 × 72 - x बनेगा, आइसकल टू टोटल रुपया कितना है 600, इसको सॉल्व कर दीजिएगा x आ जाएगा आपका, बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 72 नोट है कुछ 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला, आप ऐसे सोचिए कि 72 में से कुछ 5 का नोट है, इस 10 को आप समझिए कि 5 + 5 है, अगर 72 का सारा नोट 5 का होता ना तो 72 5 = 360 रुपया होता, लेकिन टोटल 600 रुपया है,
कितना रुपया ज्यादा है 240। 240 क्यों ज्यादा, क्योंकि ये 10 रुपया का नोट में 5 ज्यादा, 5 बराबर 240, 1 बराबर 48, यानी 10 वाला 48 नोट है, ये 48 नोट है, 72 में 48 का तो ये 24 नोट है। तो बताइए 24 अनुपात अगर 48 आप करेंगे तो जो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसको आप लोग, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई जो है 6 से बढ़ के 7 हो गई, उसकी जो चौड़ाई ब्रेथ है वो बताइए 5 से घट के कितना हो गई, 4 हो गई। तो उसका एरिया, किसी भी आयत का जो एरिया होता है, देखिए आयत का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू बी। तो इसका एरिया देखिएगा, तो शुरू शुरू में एरिया 6×5=30 है, और बाद में 7×6=28 हो गया, तो बताइए क्या परिवर्तन हुआ, 15:14, तो यानी 15:14 एरिया में परिवर्तन आ गया। इसको आप देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा है, 120 अप्लीकेंट है, 120 अप्लीकेंट है, क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज कि 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 70 इसमें से मेल है भाई, 70 मेल है, और आपके फीमेल कितने हो गए, 50 हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों की अधिकतम संख्या, अच्छा 80 के पास डीएल है, डीएल कितने लोगों के पास है, 80 के लोगों, 80 लोगों के पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब डीएल है। ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों की अधिकतम, अच्छा पुरुष की अधिकतम संख्या आपको बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अधिकतम पुरुष की संख्या, तो भाई 70 पुरुष है या टोटल डीएल 80 है, तो यानी हम मान सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अधिक से अधिक पुरुष 70 पुरुष भाई डीएल रखे। कोई ऐसा जगह तो हो सकता है ना कि जहां पे 70 पुरुष ड्राइविंग लाइसेंस रखे, टोटल भाई डीएल 80 है, 80 में अगर 70 पुरुष डीएल रखा है ना, तो 10 महिला डीएल रख रही होगी। उसके बाद देखिए न्यूनतम ड्राइविंग लाइसेंस पुरुष की न्यूनतम संख्या, तो कोई ऐसा भी जगह हो सकता है कि जहां 80 डीएल है तो 50 फीमेल है, 50 फीमेल के पास डीएल हो, अगर अधिक से अधिक महिलाओं के पास डीएल होगा तो उस केस में वहां पे पुरुषों के पास न्यूनतम डीएल होगा, अगर 50 में 50 के पास डीएल होगा, टोटल 80 डीएल है, 50 महिला के पास डीएल हो गया, बच गया 30, यानी वहां यानी कि न्यूनतम डीएल वाले 30 हो जाएंगे, 7:3 हो जाएगा, तो 7:3 आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, दो समान कांच का बर्तन है, दो समान बर्तन है यहाँ पे, इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है, ठीक है ना, मिल्क वाटर, मिल्क 3:2 में है, इसमें 4:1 में, तो आप बताइएगा टोटल कितना है, 5 है, टोटल कितना है, 5 है। अच्छा समान कांच का बर्तन, ये भी बर्तन 5 यूनिट का है, ये भी बर्तन 5 यूनिट का है, यदि दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, अगर इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, इसके मिश्रण को इसमें डाल दें, इसके मिश्रण को इसमें डाल दें, तो समान कांच है तो 3×2=5, और यहाँ भी 4×1=5 समान है, तो बताइए बैलेंस है यहाँ पे, भाई कोई दिक्कत है नहीं, तो अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ से मिल्क 3 जाएगा, मिल्क 4 जाएगा, तो मिल्क यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से वाटर 2 जाएगा, यहाँ से वाटर 1 जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो आपका 7:3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि अगर ये 3×2=5 है, और यहाँ 4×1 कितना है, 5 है, 4×1=5 है, या समान बर्तन दे तो डायरेक्ट जोड़ देना है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हैं, इसको देख लीजिए आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 बर्तन है, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, बर्तन नंबर 3, 3 बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या क्या दिया है, देखिए 5:1, 5:1, इसमें दिया 2:1, और इसमें दिया आपको 3:1 दिया है, अगर टोटल निकालिएगा तो 6 टोटल यहाँ पे, 3 यहाँ, टोटल कितना, 4। क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, इससे 1:2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है, यहां से अगर 1 लेना है तो यहां से 2 लेना है, और तीसरे बर्तन से 3 लेना है, 1:2:3 का अनुपात में मिलाना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसको बराबर कर लीजिए, तो 12 के बराबर हम कर लेते हैं, अब 12 का 1 गुना लेना है तो 1 से गुणा, 12 का 2 गुना लेना है 2 से गुणा, 12 का 3 गुना ले लेना 3 से, यहाँ 2 से गुणा ओवरऑल किए हम लोग, यहाँ पे 8 से गुणा किए हैं, 8 से कर दीजिए, और यहाँ पे 9 से किए हैं तो 9 से आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, 9 से। अब देख लीजिए आप लोग, अगर हम बर्तन 1, बर्तन 2, बर्तन 3 को मिलाएंगे तो यहाँ से मिल्क जाएगा 10 लीटर, यहाँ से 16 लीटर, 10, 16, 26 हो गया, 29, 27, तो 26 हो गया, 27 हो गया, देखिएगा 10 और 16, 26 और 27 जोड़ दीजिए,
6 7 13 का 3 हाथ में 4 1 5 तो 53 आ गया। अब इसको देखिए आप जोड़कर 8 2 10 10 9 8 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 10 9 19 आ गया। यहां पर जोड़िए तो 10 हो गया, 5 2 10 8 2 16 हो गया, 9 3 27 हो गया। तो बताइए 6 7 13 का 3 2 1 3 1 4 1 5 53 आ गया। तो गलत हो गया क्या? सही तो है, फिर इनमें से कोई नहीं आंसर बन रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार मिला के देख लेना आप लोगों को, ठीक है ना। और कुछ ही क्वेश्चन अब बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है 88 नंबर, और इसी के साथ हम लोग का पूरा चैप्टर ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो द एंड, फाइनली द एंड हो गया। और थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सो मच। देखिए इस पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बेस्ट तरीका से हर टाइप का क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, जो भी मतलब लगा आपको, आपको कैसा लगा इसका कमेंट आप पक्का कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना है। और पूरा बिहार एसएससी की तैयारी के लिए ये जो है ना, ये वीडियो रामबाण है। इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, इस वीडियो से पूरा आपको फायदा होने वाला है। इससे बाहर मेरा पूरा उम्मीद है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी ना आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। अगला चैप्टर का आप वेट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बाबू, लव यू।